हम लोग ब्रेक पर आ गए थे, लेकिन अभी एक क्रम चलेगा और फिर से हम हफ्ते में दो बार जरूर मिला करेंगे। लेकिन आज की मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि मैं अपने एक कलीग को इंट्रोड्यूस करूं। बहुत लोग इनके नाम से, इनके चेहरे से, इनके काम से भी परिचित हैं। मैं वेलकम करना चाहूंगा अंकित उपाध्याय। अंकित उपाध्याय रीजनल मैनेजर नॉर्थ। अंकित जी, सर, ओवर टू यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर, एंड सभी को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों को देख के बहुत अच्छा लग रहा है, इतने सारे लोगों को देख के बहुत अच्छा लग रहा है। एंड मैं आशा करता हूँ कि आपकी फैमिली और आप सभी एकदम सेफ तरीके से ये मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। और आज एक बहुत ही एक्साइटिंग चीज मैं आपके सामने शेयर करना चाह रहा हूँ। बहुत लोगों को शायद इंफॉर्मेशन मिल गई होगी ऑलरेडी इसकी, कि आज कंपनी ने एक ऑफर लॉन्च किया है अगस्त मंथ के लिए। तो क्या आप सुनना चाहेंगे, समझना चाहेंगे वो ऑफर क्या है? मेरे को थम्स अप करके बताइए। ओके, बहुत सारे थम्स अप आए मेरे साथ, तो मेरे को एक सेकंड दीजिएगा, मैं एक स्क्रीन शेयर करूंगा आप सभी लोगों के साथ और कोशिश करूंगा कि ये ऑफर आपको समझा सकूं अच्छे तरीके से, ताकि इसका लाभ आप सभी लोग ले सकें। क्या आप सभी ये मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? मेरे को थम्स अप करके बताइएगा। ओके, ओके, सो ये ऑफर 5 अगस्त से 15 अगस्त 2021 तक वैलिड है। इसमें आपको टोटल 550 SV करना है एक सिंगल इनवॉइस में। मतलब जब आप एक बारी बिलिंग करते हैं तो 550 SV मिनिमम उसका बिलिंग होना चाहिए। तो आपको क्या फ्री मिलेगा? आपको एक CoQ10 एनर्जाइजर फ्री मिलेगा, प्लस एक शागंधा फ्री मिलेगा, प्लस एक सामिशार फ्री मिलेगा। तो तीन चीजें आपको टोटल फ्री मिलेंगी जब आप एक इनवॉइस के अंदर 550 SV का मिनिमम बिलिंग कराएंगे। क्या आप सब लोग ये ऑफर समझ गए? मुझे एक बारी थम्स अप करके बताइएगा, वरना मैं दोबारा रिपीट करूंगा। यस, कोई अगर डाउट हो किसी को भी तो मुझे प्लीज चैट में बताइए, ताकि मैं उसको एक्सप्लेन कर सकूं। ओके, मैं एक बारी फिर से रिपीट कर देता हूं। 5 से 15 अगस्त तक ये ऑफर वैलिड है। आपको एक इनवॉइस के अंदर 550 SV करना है का मिनिमम ये ऑफर लेने के लिए। और आपको तीन प्रोडक्ट्स फ्री मिलेंगे, एक CoQ एनर्जाइजर, एक शागंधा और एक सामिशार। तीन प्रोडक्ट्स आपको फ्री मिलेंगे। तो इतना बढ़िया ऑफर है यार, थोड़ा सा मुस्कुराइए जरा, मैं देखना चाहता हूँ इतना बढ़िया ऑफर आपके सामने कंपनी ने दिया है। और कितने लोग ये ऑफर लेना चाहेंगे मुझे एक बार ये भी थम्स अप करके बताइए, कितने सारे लोग लेना चाहेंगे? ओके ओके, बहुत सारे थम्स अप आ गए, थैंक यू। और एक और चीज मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा, ये ऑफर आप मल्टीपल इनवॉइस में भी ले सकते हैं। इसका मतलब 550 SV का एक इनवॉइस, फिर दोबारा आपको लेना चाहें तो दोबारा आप 550 SV का एक और इनवॉइस ले सकते हैं। तीन बारी लेना चाहें तीन बारी ले सकते हैं, पर एक ही शर्त है कि एक इनवॉइस के अंदर कम से कम 550 SV होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच ऑफर को सुनने के लिए। एंड अब मैं चाहूंगा आनंद सर इस मीटिंग को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच एवरीवन। आनंद सर, मैं आपको शायद अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अंकित, थैंक यू सर। वैसे आपकी स्क्रीन नहीं आ रही थी। स्क्रीन नहीं आ रही सर? नहीं आ रही थी, अब तो सबके पास पहुंच गया है, दिन में घबराने की बात नहीं है।
सारे लोगों को एक चीज और मैं अपने सामी फैमिली के लोगों को बता दूं, ये प्रमोशन 5 से 15 तक चलेगा, 16 को फिर एक नया प्रमोशन आपको मिलेगा और मंथ के अंत के हफ्ते में एक और प्रमोशन आपको मिलेगा। आज की मीटिंग के बाद एक चीज ध्यान में रखिएगा, एक्साइटमेंट के लिए, एक प्रोडक्ट की ट्रेनिंग नहीं। मैं सुशील साहब की मीटिंग को मैं बहुत बार सुना हूं और आज भी मैं सुनूंगा। बेसिकली ये जानकारी देते हैं, ट्रेनिंग से ज्यादा आपको ये पढ़ाते हैं। मतलब समझिए कि आज सामी के प्रोडक्ट की पाठशाला लगने वाली है और उस पाठशाला में आपको हिंदी में और हमारे घर के बोलचाल की भाषा में आपको आज बताया जाएगा। ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं थोड़ा सा डॉक्टर साहब के बारे में बताना चाहूंगा, सुशील भारती के बारे में। ये एक डेडिकेटेड सामियन है। वैसे अगर आप अनुमति दें सुशील साहब तो एक मिनट थोड़ा बोलूं। अरे सर प्लीज प्लीज, दे रहे हैं अनुमति? थैंक यू। मैं इनको तब से जानता हूं जब इनके बच्चे छोटे थे, बच्चियां दो, और दोनों बच्चियों को नाश्ता देके घर में छोड़कर अकेले ये लोग 1.5 लाख 2 लाख का माल, ये और इनकी वाइफ डॉक्टर इपिंदर भारती, ये अपनी गाड़ी में माल डाल के कभी हिमाचल की तरफ, कभी कहीं चंडीगढ़ की तरफ, कभी पंजाब, रोज कैंप लगाते थे। ये जो आपसे बात करेंगे और महीने में 8 से 10 लाख का रिटेल दिल से सामी में स्वागत करता हूं, इनकी प्रशंसा करता हूं और इनके जज्बे को सलाम करता हूं। प्रैक्टिकल चीजें आप आज सीखने वाले हैं, इसीलिए आप जिस स्थिति में हैं, जनरली मैं चाहूंगा कि स्पीकर को अच्छा लगता है कि आप वीडियो सामने रख करके रहें ताकि उनको देखने में लगे अच्छा कि उनको कोई सुनने वाला है। लेकिन अगर नहीं भी हो तो ध्यान से जरूर सुनिएगा आज, क्योंकि इस मीटिंग के एक एक शब्द आपको कुछ प्रोडक्ट के बारे में क्या बता जाए जो आपको पता भी नहीं होगा। तो आप लोगों की तरफ से जितने लोग अपनी वीडियो ऑन किए हैं उनके तरफ से तालियों के साथ मैं बुलाना चाहूंगा डॉक्टर इपिंदर भारती, ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। सबसे पहले मैं धन्यवाद और शुक्रिया करना चाहूंगा अनंत सर का, अंकित जी का और अपने मान सिंह जी का और सारे सामियंस का जिन्होंने आज टाइम निकाला इस मीटिंग के लिए और मुझे मौका दिया कि मैं अपना कुछ जो मेरे अभी तक एक्सपीरियंस है उसको शेयर कर सकूं आप लोगों के साथ, ताकि आप लोगों की ये चीज काम आए। क्योंकि हमने फील्ड में कम से कम लगभग मैं पिछले 7 साल से फील्ड के अंदर हूँ, सामी के प्रोडक्ट्स को लेकर बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लिए हैं और उन्हीं जो एक्सपीरियंस है उसी के बेसिस पे आज हम सारी बात करेंगे। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, आदाब अर्ज़ है और सभी सामियंस को मेरा दिल से नमस्कार और सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज शुरू करते हैं हम आज का प्रेजेंटेशन। जैसे कि आपको पता ही है, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर देता हूं। सर आई एम नॉट एबल टू शेयर माय स्क्रीन, प्लीज। मैं आपकी हेल्प करता हूं। यस प्लीज डॉक्टर साहब, जस्ट एक सेकंड मुझे दीजिए, मैं आपको होस्ट बना रहा हूं ताकि आप स्क्रीन शेयर कर सकें। जी सर, सर एक बार कंफर्म कीजिए क्या स्क्रीन शेयर हो गया। यस, थैंक यू। तो दोस्तों आपका स्वागत है। जैसे मैंने बात की कि अपने जिस एक्सपीरियंस को मैंने 7 साल में हासिल किया है आज उसी के बेसिस पे बात करेंगे और जानेंगे कि आज देखिए ये जो पहला स्लाइड है आपको दिखा रहा है कि हेल्थ को लेकर आज हर बंदा कॉन्शियस है।
हर बंदा चाहता है कि मैं हेल्दी रहूं, मेरा परिवार हेल्दी रहे, और लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं हेल्थ को लेकर। एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, अच्छा खाना भी खा रहे हैं, डाइटिशियन से भी हेल्प ले रहे हैं, न्यूट्रिशनिस्ट से भी हेल्प ले रहे हैं, डॉक्टर्स के पास भी जा रहे हैं। तो देर आर लॉट्स ऑफ वेज टू बी हेल्दी। तो लेकिन आज कहीं ना कहीं हमारे बीच हेल्थ की कमी हो रही है, क्योंकि आने वाली स्लाइड्स में हमें पता चलेगा हर बंदा कहीं ना कहीं कंफ्यूज है कि कैसे हेल्दी रहा जाए। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, थोड़ा सा हेल्थ के बारे में जानेंगे, थोड़ा सा सामी के बारे में जानेंगे, थोड़ा सा इसके प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे। दोस्तों आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ द स्टैटिस्टिक्स क्या कहते हैं आज कि अकॉर्डिंग टू हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, आज अगर बात करें 70-80% जो पॉपुलेशन है, जो 70-80% इंडिया की पॉपुलेशन है, दे आर सफरिंग फ्रॉम हेल्थ प्रॉब्लम। उनको कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम आज है। हम ये नहीं कह सकते कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, 70-80% बहुत बड़ा अमाउंट है। अब ये क्या बता रहे हैं कि मोर देन 7 करोड़ पीपल आर डायबिटिक। 7 करोड़ से ज्यादा लोग आज डायबिटिक, जिनको शुगर की बीमारी हो चुकी है। 15 करोड़ से ज्यादा लोग आज लंग्स इंफेक्शन से प्रभावित है। 15 करोड़ से ज्यादा लोग ज्वाइंट पेन्स और बोन की डिजीजेस से प्रभावित हो चुके हैं। मोर देन 10 करोड़, 10 करोड़ से ज्यादा पीपल हैं जो अपने पेट की समस्याओं को लेकर आज परेशान हैं। इसी तरह 20 करोड़ से ज्यादा लोग आज अपनी आंखों की डिजीज को लेकर परेशान हैं, और 25 करोड़ से ज्यादा लोग आज लीवर डिजीजेस को लेकर परेशान हैं। तो ये आप डेटा देख रहे हो, ये हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया का डेटा है। मतलब आप सोच के देखिए कितने लोग आज अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेकर परेशान हैं। और सबसे बड़ी गंभीर समस्या है जो हमारे पास आज, कि वी हैव ओनली 30 लाख रजिस्टर्ड डॉक्टर्स इन इंडिया फॉर देयर ट्रीटमेंट। हमारे पास सिर्फ 30 लाख डॉक्टर हैं इन लोगों का ट्रीटमेंट करने के लिए। 140 करोड़ के करीब आबादी अगर बीमार हो गई तो सिर्फ 30 लाख लोग उनको कैसे संभाल पाएंगे, आप सोच के देखिए। तो इसलिए आज हमें कोई ना कोई ऐसा कदम उठाना बहुत लाजमी हो गया है कि हम अपनी सेहत को अपने आप ही ठीक रखें। अगर ठीक रखेंगे तो तभी बढ़िया रहेगा। अगर बाई चांस कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो उसको घर पे ही हम कैसे ठीक कर सकते हैं, अपनी डाइट को इम्प्रूव करके, अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करके, उसी के बारे में आज बात करेंगे हम लोग। तो दोस्तों अगर हमने अपने आप को हेल्दी रखना है, अगर हम चाहते हैं कि हम हेल्दी रहें, ये सारी पिछली डिजीजेस हमें ना हो, तो हमें 3 चीजों के बारे में थोड़ा सा नॉलेज लेना होगा। सबसे पहले थोड़ा सा ह्यूमन बॉडी, अपनी बॉडी के बारे में हमें नॉलेज लेना होगा, अपनी डाइट के बारे में हमें थोड़ा सा जानकारी लेना होगा, और जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनको उनसे कैसे बचा जा सकता है और उनको कैसे ठीक किया जा सकता है, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे हम लोग। तो सबसे पहले जानते हैं अपनी बॉडी के बारे में। देखिए ये जो बॉडी है ना, ये कभी चेंज नहीं हो सकती। आज से हजारों करोड़ों साल पहले भी एक आदमी का जो दिल है 72 बार ही धड़कता था, आज भी 72 बार धड़कता है, और आज से हजारों साल बाद भी 72 बार ही धड़केगा, मतलब जो नॉर्मल जिसको हम बोलते हैं हार्ट बीट। तो ये बॉडी का प्रोसेस ऐसा ही चलता है, ऐसा ही रहेगा, और ऐसा ही आने वाले टाइम में भी रहेगा। तो इसका जो मूल आधार है, जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी का जो मूल आधार है, दैट आर सेल्स। हमारी बॉडी सेल से बनी होती है। सेल से कोई भी टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से कोई भी ऑर्गन डेवलप होता है, ऑर्गन से हमारी बॉडी का पूरा सिस्टम चलता है। हमारी बॉडी के अंदर सिस्टम्स होते हैं अलग अलग, वो हमारे ऑर्गन चलाते हैं। तो जो मैंने बात की कि बॉडी का मूल आधार क्या है, सेल्स। अगर हमारे सेल्स हेल्दी हैं दोस्तों, तो हमारी बॉडी हेल्दी है। अगर हमारे सेल्स बीमार हो गए, बूढ़े हो गए, तो हम भी बूढ़े हो जाएंगे। अगर हमारे बॉडी के सेल्स बीमार हो गए तो हम भी बीमार हो जाएंगे। यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई गई है हेल्दी सेल्स और डैमेज सेल्स, क्योंकि बॉडी में ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन के कारण हमारे सेल्स टूटते हैं, ये फ्री रेडिकल सेल्स बनते हैं। तो उसी की वजह से बॉडी के सेल्स जब खराब होते हैं, तभी हमारी बॉडी का कोई अंग या हमारी बॉडी को कोई डिजीज लगती है। तो इसके कारण क्या है? आज हमारी बॉडी जो पिछली हमने स्लाइड में देखा, इतनी सारी बीमारियां क्यों आ रही हैं? आज से 100 साल 150 साल पहले इतनी बीमारियां नहीं थी, तो आज ऐसा क्या हुआ? तो दोस्तों हम जानते हैं कि आज का जो हमारा खाना है, देखिए बॉडी के अंदर जितना भी न्यूट्रिशन, मिनरल और जो भी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, वो सारी फूड, वाटर और एयर के थ्रू ही अंदर जाएगी। ऑक्सीजन चाहिए हमें, पानी चाहिए हमें,
और हमें फूड चाहिए, इसीलिए हम अलग अलग तरह का फूड खाते हैं, क्योंकि बॉडी की सारी रिक्वायरमेंट्स हमारे इन्हीं तीनों चीजों से पूरी होती है। लेकिन अगर आज बात करूं, जो भी खाना हम खा रहे हैं दैट आर पोल्यूटेड, पूरा पोल्यूटेड हो चुका है हमारा खाना, दूषित हो चुका है हमारा पानी, दूषित हो चुका है हमारी एयर जिसमें हम सांस लेते हैं, ये भी आज पूरी तरह दूषित हो चुकी है। तो इन्हीं के कारण से हमारी बॉडी के अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई, क्योंकि जब भी कोई डिजीज होती है डायरेक्ट आपको कभी डिजीज नहीं होती, कोई भी बीमारी डायरेक्ट नहीं लगती, बहुत रेयर डिजीजेज हैं जो आपको डायरेक्टली लग सकती है। अदरवाइज कोई भी बीमारी धीरे धीरे बॉडी को लगती है, जैसे कोई भी डाइट हमारी डेफिशिएंट होगी तो डेफिशिएंसी से हमारी बॉडी डिसऑर्डर में जाती है, डिसऑर्डर से कोई भी डिजीज डेवलप होती है, कोई भी डिजीज में बॉडी जाती है। तो डेफिशिएंसीज को हम कैसे रिकवर कर सकते हैं, और हमारे पास जो एमडी डॉक्टर्स हैं, जितने भी एलोपैथी के अंदर डॉक्टर्स हैं, तो उनका क्या मानना है, एमडी डू नॉट प्रैक्टिस हेल्थ केयर, दे प्रैक्टिस डिजीज मैनेजमेंट। जितने भी एमडी डॉक्टर्स एलोपैथी के अंदर डॉक्टर्स हैं, वो सिर्फ बीमारी को ठीक कर सकते हैं, आपको हेल्दी नहीं रख सकते। आपको ये गाइड नहीं, आप किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर जाइए, पीजीए के अंदर, अपोलो के अंदर, जो भी बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, आप किसी बड़े डॉक्टर को ये पूछिए, डॉक्टर साहब मुझे डायबिटीज हो गया मैं क्या लूं, वो आपको अच्छी सी मेडिसिन दे देगा कि आपको सारी जिंदगी खानी पड़ेगी। अब उसी को ये सवाल कीजिए कि डॉक्टर साहब मेरे फादर को डायबिटीज है, मेरे ग्रैंडफादर को भी डायबिटीज थी, आप मुझे ऐसी कोई दवा, मुझे है नहीं, लेकिन ऐसा कुछ दीजिए, ऐसी कोई दवा दीजिए जिससे मुझे डायबिटीज जिंदगी भर हो ना, तो उसके पास इसका दोस्तों कोई भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि वो कहेगा मेरे को ये पढ़ाया ही नहीं गया कि हेल्थ केयर कैसे करनी है। तो आज हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं कि हम वी आर लकी कि हमें आज हेल्थ केयर करने का मौका मिल रहा है, हम खुद पहले सीखें फिर लोगों को सिखाएं। तो हेल्थ केयर सबसे बढ़िया चीज है कि हम किसी बीमारी को अपने अंदर आने ही ना दें। तो एमडी डॉक्टर्स का लिखा हुआ, दे आर नॉट ट्रेन्ड टू मेडिसिन इन मेडिकल न्यूट्रिशन, क्रॉनिक इलनेस एंड डिजीजेस आर कॉज्ड बाय न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी, जो मैंने पिछली स्लाइड में बात की। द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन द यूनाइटेड स्टेट, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये, द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन द यूनाइटेड स्टेट नाउ इज एमडी डायरेक्टेड ट्रीटमेंट्स, देन हार्ट डिजीज, देन कैंसर। इसका मतलब कि यूएसए के अंदर का ये डाटा है कि यूएसए के अंदर जितनी ज्यादा मेजर डेथ हो रही है आज, वो किसी डिजीज के कारण नहीं हो रही, वो जो डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट करते हैं उस ट्रीटमेंट के कारण, उसके साइड इफेक्ट्स के कारण उनकी ज्यादातर डेथ हो रही है। हमारे इंडिया में भी आप कोई भी डायबिटिक पेशेंट देख लो, कोई भी लीवर का पेशेंट देख लो, कोई भी हार्ट का पेशेंट देख लो, वो धीरे धीरे जब कोई मेडिसिन लेता है 5 साल 10 साल 15 साल, उस मेडिसिन के इतने साइड इफेक्ट आ जाते हैं, उसकी रीनल फेलियर हो जाता है, उसको आई डिजीज हो जाता है। तो ये सारी साइड इफेक्ट्स ऑफ आपका ट्रीटमेंट होता है। तो बेहतर है कि हम ऐसी एजुकेशन लें कि हम उस डिजीज से बच सकें, उनको अपने घर के अंदर एंटर ना होने दें। तो बैलेंस न्यूट्रिशन इज इंक्रीजेस अब्सॉर्प्शन, लीड्स टू ऑप्टिमम फंक्शनल ऑफ अवर बॉडी टू हेल्दी। तो हमारा फूड, मैंने जैसे बात की, आज हम क्या खा रहे हैं, हमारी बॉडी को, सेल्स को रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन की, हमारे मिनरल्स की, हमारे बॉडी को ये सारी चीजें चाहिए क्योंकि उस बॉडी को फंक्शन चलाने के लिए। लेकिन आज हम डाइट में से क्या ले रहे हैं, डाइट हमारी पोल्यूटेड है, हम जंक फूड ले रहे हैं। हमारे बच्चे अगर बात करें, आप बच्चे को दूध का गिलास दोगे, बच्चा 100 नखरे करता है। आप बच्चे को कुरकुरे का पैकेट पकड़ा दो, 1 सेकंड लगाएगा उसको खोल के खाने में, क्योंकि ये सारी खराबियां कहाँ से हो रही हैं, बच्चे एडवर्टीजमेंट देखते हैं, जो टीवी के ऊपर दिखाया जा रहा है वही हमारे बच्चे आज उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, वही हमारी लाइफस्टाइल हो गया है। हमें लगता है कि ये चीजें खाने पीने से हमारा लाइफस्टाइल बढ़ेगा, लेकिन नहीं, हम कहीं ना कहीं अपनी घर के अंदर इन बीमारियों को दावत दे रहे हैं सिर्फ इन्हीं चीजों के कारण। दोस्तों, अब सप्लीमेंट क्या होता है, अब हमने बात की कि बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन की, बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट है मिनरल्स की, बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट्स की, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। तो वो हमें कहां से मिलता है, 3 चीजों से, मैंने बताया था कि सबसे पहले हमारा फूड, उसके बाद हमारा वाटर और उसके बाद एयर। ये 3 चीजें लाजमी है हमारी बॉडी के लिए, लेकिन ये तीनों पोल्यूटेड है। तो जो हमें फूड से नहीं मिल रहा, जिसके कारण डेफिशिएंसी होती है, डेफिशिएंसी से कोई डिजीज बनता है, तो आज के युग में, अभी इंडिया के अंदर ये चलन बहुत कम है, लेकिन अगर आप में से कोई भी किसी फॉरनर को जानता होगा या किसी फॉरन के अंदर उसके कॉन्टेक्ट होंगे, आप देखिएगा, उनसे पूछिएगा कि वहां के जो ग्रोसरी स्टोर है वहां के अंदर
उस ग्रोसरी स्टोर के अंदर भी आपको सप्लीमेंट मिल जाएंगे, क्योंकि वहां पे एक कॉर्नर होगा जहाँ पे सप्लीमेंट रखे होंगे, कोक्यू 10, ओमेगा, ये सारे सप्लीमेंट्स क्या है, कैल्शियम, आयरन। तो ये सप्लीमेंट क्या चीज होती है कि बॉडी के अंदर भोजन से हमें जो न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा वो हम किसी ना किसी टेबलेट या कैप्सूल या पाउडर फॉर्म के अंदर सप्लीमेंट करें अपनी बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, ताकि हमारी बॉडी डेफिशिएंट ना हो। तो जो सप्लीमेंट होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सप्लीमेंट, वन इज ऑर्गेनिक एंड सेकेंड इज इनऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक और क्योंकि सप्लीमेंट आपको मार्केट के अंदर, अगर इंडिया की बात करूं तो हजारों कंपनीज हैं जो सप्लीमेंट्स के अंदर डील करती हैं। अब हम कौन सा खाएं, बॉडी की रिक्वायरमेंट तो पूरी करनी है, नहीं तो बॉडी डेफिशिएंसी में चली जाएगी, डेफिशिएंसी हो गई तो कोई ना कोई डिजीज हो जाएगी। अब दोस्तों हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, लेकिन हमें पहचान कैसे करनी है कि बॉडी के अंदर कौन सा सप्लीमेंट हमारे लिए बेहतर है। तो मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दो टाइप्स के सप्लीमेंट होते हैं। जो ऑर्गेनिक सप्लीमेंट होता है दैट आर बेस्ड ऑन फाइटो, फाइटो मतलब प्लांट्स या फ्रूट्स या किसी पौधे से वो सप्लीमेंट निकाला जाता है, मतलब नेचुरल सोर्स होता है जो लिविंग थिंग्स होते हैं। और सेकंड जो सप्लीमेंट मार्केट के अंदर आपको मिलेंगे दैट आर इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मतलब जो केमिकल वेस या किसी फॉर्मुलेशन, केमिकल फॉर्मुलेशन के साथ बनाए जाते हैं। दोनों तरह के सप्लीमेंट आपको मिलेंगे, लेकिन बेहतर कौन सा है, जो फाइटो सोर्स है, जो नेचुरल सोर्स है। और नेचुरल सोर्स के बारे में हम बात करेंगे, न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी को हेल्दी रहने के लिए। और फार्मास्यूटिकल, फार्मास्यूटिकल क्या होता है, जो हम एलोपैथी मेडिसिन लेते हैं, रेमेडी फॉर सिकनेस इंजरी। अब जो दवाइयां होती हैं वो हमारी बॉडी की डिजीज को खत्म करती हैं, और जो न्यूट्रिशन होता है वो हमें हेल्दी रखने में हेल्प करता है। लेकिन एक नया वर्ड है न्यूट्रास्यूटिकल्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स वर्ड क्या है, जो प्रिवेंटिव मेडिकल अप्रोच रखता है, मतलब ये हमें बीमारियों से बचा भी सकता है, और अगर कोई बीमारी आ गई तो उससे हमें ठीक भी कर सकता है। आज हम न्यूट्रास्यूटिकल के बारे में बात करेंगे, वी हैव न्यूट्रास्यूटिकल्स। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स के अंदर सबसे पहले ये जो शख्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने न्यूट्रास्यूटिकल्स के अंदर ऐसी इतनी बड़ी रिसर्चेस की हैं, हमें ये इतना जबरदस्त तरीके से इन्होंने ऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर दिया है कि इनको वर्ल्ड एम्बेसडर फॉर आयुर्वेदा का खिताब दिया गया। अगर आप गूगल पे जाओगे यू विल फाइंड कि हु इज द वर्ल्ड एम्बेसडर ऑफ आयुर्वेदा। आपको डॉक्टर मजीद के बारे में देयर आर लॉट्स ऑफ ब्लॉग्स जो आपको वहां पे पढ़ने के लिए मिल जाएंगे कि इनकी क्या क्या अचीवमेंट्स हैं। थोड़ी सी अचीवमेंट्स की बात मैं भी करूंगा आज, क्योंकि ये कहते हैं थिंक अबाउट वेलनेस बिफोर इलनेस। अगर आप बीमारी से पहले ये जान लो कि स्वस्थ कैसे रहना है तो वो आपके लिए बेहतर होगा। और इसी चीज के ऊपर इन्होंने अपनी लाइफ के 30-35 साल की रिसर्च की, हम लोगों के लिए ऐसी ऐसी चीजें बना के दी कि हम कैसे अपनी घर के अंदर बीमारियों से बच सकते हैं, और अगर कोई बीमारी आ गई तो उसको एलोपैथी की बजाय हम अपने नेचुरल रेमेडीज के साथ, नेचुरल न्यूट्रास्यूटिकल के साथ कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब का जो जन्म हुआ केरला के अंदर हुआ दोस्तों, 1975 के अंदर फार्मेसी इन्होंने अपनी कंप्लीट की, उसके बाद अमेरिका चले गए। अमेरिका जाने के बाद इन्होंने अपनी डॉक्टरेट कंप्लीट की, डॉक्टरेट के बाद इनको मौका मिला बड़ी बड़ी रिसर्च कंपनीज के साथ काम करने का, जैसे फाइजर, INC, कार्टर वैलस और पैको रिसर्च, इस तरह की कंपनीज में इन्होंने अपना काम किया एज अ असिस्टेंट साइंटिस्ट। तो वहां पे इन्होंने देखा कि एलोपैथी के ये चीज उनको पहली समझ आ गई थी, तो वहां पे इन्होंने देखा कि जो नेचुरल हमारी रेमेडीज हैं, जो हमारे बुजुर्ग ऑलरेडी हमारे घरों के अंदर यूज करते थे, हमारी किचन के अंदर जो हर्ब्स को यूज किया जाता था, अगर हम उसको एक स्टैंडर्डाइज डोज के अंदर लोगों तक पहुंचा दें और उसकी रिसर्च कर लें। जैसे एक इसका एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, इन्होंने किया क्या, क्योंकि मैंने अभी बात की कि न्यूट्रास्यूटिकल या न्यूट्रिशन बहुत सारी कंपनीज बनाती हैं, हमें सामीडायरेक्ट ही क्यों लेना है, क्यों सामीडायरेक्ट बेस्ट है, तो उसके बारे में मैं 2 मिनट का बात करूंगा कि डॉक्टर साहब ने किया क्या कि इन्होंने आयुर्वेदा के ऊपर, देखिए आयुर्वेदा हमारा 5000 साल पुरानी पैथी है जिसको हमारे बुजुर्ग यूज करते आ रहे हैं, और बीमारियों से भी बचते थे और अगर बीमारी होती थी तो ठीक भी हो जाते थे। लेकिन इन्होंने आयुर्वेदा के अंदर एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेके आई है। इन्होंने क्या किया कि आयुर्वेदा के अंदर कोई स्टैंडर्डाइज डोज नहीं था पहले, हमें ये तो पता था हल्दी खाने से ये ठीक होता है, काली मिर्च खाने से ये फायदा होता है, या सौंफ खाने से ये फायदा होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि इसके पीछे साइंटिफिकली रीजन क्या है और इसकी कितनी डोज हमें लेनी चाहिए। तो डॉक्टर मजीद ने इसी चीज को अपनी लाइफ के अंदर अडॉप्ट किया और इसी चीज के ऊपर इन्होंने अपना रिसर्च किया अभी तक। तो इन्होंने
आयुर्वेदा के ऊपर साइंटिफिकली रिसर्च की और हमें बताया कि इसका कितना डोज कितनी मात्रा में आपको लेना चाहिए जिससे आप हेल्दी रह सकते हो, जिससे आप उसको बीमारी को ठीक भी कर सकते हो। इन्हीं रिसर्चेस के कारण इनको 3 बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अवार्ड मिल चुका है। मेडल ऑफ ऑनर एक यूएसए का बहुत बड़ा अवार्ड होता है, वो भी ये ले चुके हैं। और दोस्तों आपको बड़े प्राउड से बताना चाहता हूँ कि थॉमस एल्वा पेटेंट अवार्ड होता है जो कि किसी भी साइंटिस्ट को तब दिया जाता है। पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने साइंटिस्ट कोई अच्छी रिसर्च करते हैं उनको नॉमिनेट करके उसके बारे में उनमें से सबसे बढ़िया रिसर्च जिसका होता है उसको ये अवार्ड दिया जाता है। और वर्ल्ड के अंदर एक भी ऐसा साइंटिस्ट नहीं जिसको ये 2 बार मिला हो। डॉक्टर मजीद इज द ओनली साइंटिस्ट जिसको ये 3 बार ये अवार्ड मिल चुका है इंडिपेंडेंटली और 2 बार कोलैबोरेशन के अंदर मिल चुका है। ये इनकी रिसर्च सेंटर है, आज इस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे, इस पर 2-4 मिनट ही बात करेंगे। इन्होंने 1988 के अंदर सबिंजा कॉर्पोरेशन यूएसए के अंदर बनाया जहां पे ये रिसर्च करना शुरू किया जो मैंने आपको बताया एक्टिव मॉलिक्यूल पेटेंट करवाया इन्होंने। सामी लैब्स को इन्होंने एस्टैब्लिश किया 1991 के अंदर। 246 इंटरनेशनल पेटेंट्स हैं इनके पास मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है, किसी हर्ब को पूरा होल हर्ब को ना लेकर उसकी जो बेस्ट क्वालिटी है जो बॉडी के अंदर मेडिसिन की तरह काम करती है या न्यूट्रिशन प्रॉपर देती है उसको खोजना, खोजने के बाद उसका स्टैंडर्डाइज डोज बनाना, उसको बोलते हैं एक्टिव मॉलिक्यूल। ये इनके पास 246 से ज्यादा, अब तो वैसे 300 के अराउंड हो चुके हैं और बहुत सारे पाइपलाइन के अंदर भी हैं। इनके पास वर्ल्ड वाइड रिसर्च पेटेंट है और ISO 22000 है, नेबल सर्टिफाइड इनके पास है। फैसिलिटीज की अगर मैं बात करूं, अगर कोई भी न्यूट्रिशन, मैंने बोला कि न्यूट्रिशन की बहुत सारी कंपनीज इंडिया के अंदर काम कर रही हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर काम कर रही हैं, लेकिन एक भी ऐसी कंपनी दोस्तों आपको नहीं मिलेगी जो न्यूट्रिशन अपना मार्केट में लेके आने वाले दिन हजारों करोड़ों की मालिक है। हाँ, बहुत सारी कंपनी आज अरबों की मालिक हो चुकी हैं, लेकिन जिस दिन उन्होंने अपना प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लॉन्च किया था, जिस दिन उन्होंने अपना न्यूट्रिशन या न्यूट्रास्यूटिकल मार्केट के अंदर लॉन्च किया था, तब वो इतनी बड़ी कंपनी नहीं थी। लेकिन डॉक्टर मजीद ने 2010 के अंदर सामी डायरेक्ट का जब न्यूट्रिशन हमें कॉस्मोस्यूटिकल और न्यूट्रास्यूटिकल हमें लॉन्च किया, तो एट दैट टाइम डॉक्टर मजीद के पास कई हजार करोड़ के एसेट्स थे, पूरे वर्ल्ड के अंदर प्रेजेंस है इनकी। अगर मैं किसी भी वर्ल्ड की अच्छी कंट्री का नाम लूं तो कोई ऐसी कंट्री नहीं है जहां पे सामी या सबिंजा का कोई रिसर्च सेंटर या कोई ऑफिस ना हो। 2 लाख एकड़ के अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं, क्योंकि अगर न्यूट्रिशन देना है दुनिया को तो हर्ब्स तो अपनी उगानी पड़ेगी ना, तो 2 लाख एकड़ के अंदर ये अपनी खेती करके अपनी हर्ब्स को उगाते हैं जिससे ये अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और ये जो एक स्लाइड देख रहे हो अवर कस्टमर्स की, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज इनके कस्टमर हैं, क्योंकि ये पहले 1988 से लेकर 2010 तक और अभी भी ये जो सबिंजा कॉर्पोरेशन है ये सिर्फ रॉ मटेरियल ये रिसर्च करते थे, पेटेंट करवाते थे और बड़ी बड़ी कंपनीज पे सप्लाई देते थे ताकि वो अपने न्यूट्रिशन या अपने न्यूट्रास्यूटिकल के अंदर उस रिसर्च को ऐड कर सकें और अपना बेटर रिजल्ट दे सकें। और ये कंपनी सारी वर्ल्ड की मानी हुई कंपनीज हैं, एम्बे, एवॉन, ओरिफ्लेम, जेंगो, सिप्ला, जाइडस, फाइजर, मतलब कोई ऐसा बड़ा ब्रांड नहीं है मोदी केयर जो कोई ना कोई रूप, किसी ना किसी रूप के अंदर डॉक्टर मजीद का कस्टमर ना। तो दोस्तों अगर हम बात करें किसी भी किसी को कोई छोटी मोटी बीमारी होती, किसी को सपोज करो शुगर हो गई या किसी को बीपी बढ़ने लग गया, तो हम किसी आस पड़ोस अपने रिश्तेदार की कोई ना कोई सलाह जरूर लेते हैं। और हमें कोई हमारा दोस्त बोलता है तू सुबह उठ के नीम के पत्ते खाया कर, तू जामुन खा लिया कर, तू करेला खा लिया कर, ऐसा करते हैं और हम कहीं ना कहीं उन बातों को मानते भी हैं। मानते हैं कि नहीं मानते? तो अगर हम उनकी बातों को मान सकते हैं जो बिल्कुल मतलब इस फील्ड से नहीं है, तो जो डॉक्टर मजीद 1988 से लेकर आयुर्वेदा के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी रिसर्चेस कर चुके हैं, इतने बड़े बड़े इन्होंने अवार्ड ले लिए हैं और पेटेंट्स हैं जिनके पास 246, तो अगर उन्होंने हमें कोई रिकमेंडेशन दिया है कि हमें मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, तो उनकी ये जो सजेशन हैं, जो उनके द्वारा रिसर्चेस हैं, आज उनके प्रोडक्ट्स को हम समझेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट हमारे किस काम आ सकता है। तो सबसे पहले मैंने बात की थी सेल्स की। सेल्स के ऊपर अगर मैं बात करूं तो बॉडी का आधार सेल्स होते हैं और हमारे सेल्स को ही सारी न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। तो ये जो हमारे सेल्स है, जब हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं तो बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन माने तो बॉडी के अंदर एक प्रोसेस होता है, जैसे सपोज करो एक सरिया है, एक आयरन का पीस है, रॉड है सरिये की, अगर वो बारिश में पड़ा हो, बारिश उसके ऊपर 2-4 बारी पड़ गई तो क्या होता है, उसके ऊपर रस्ट आ जाता है, जंग लग जाता है उसको। ऐसी जो हमारे सेल्स है ना,
जब हमारा बॉडी के अंदर ऑक्सीजन इनटेक होता है तो वो सेल्स भी ऑक्सीडेशन होता है तो वो सेल ब्रेक हो जाते हैं, फ्री रेडिकल सेल्स बनते हैं। अब जितनी भी बीमारियां शुरू होती हैं वो ज्यादातर फ्री रेडिकल सेल्स, क्योंकि सेल्स मैंने बताया सेल्स से ही सारी बीमारियां शुरू होती हैं, तो फ्री रेडिकल सेल्स को एक ही चीज ठीक कर सकती है, या तो वो बॉडी से बाहर निकाल देगी उसको, या फिर उस सेल्स को रिपेयर करेगी। तो दैट प्रोसेस इज एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट अगर हम इनटेक करते हैं तो वो फ्री रेडिकल सेल्स को हमारे या तो ठीक करेंगे या बॉडी से बाहर निकाल देंगे। तो एंटीऑक्सीडेंट की जो वैल्यू अगर हम जाने कि सबसे बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट कौन सा है, तो उसकी जो वैल्यू है वो हम जानते हैं कि ऑरेट वैल्यू किससे हो। जिस एंटीऑक्सीडेंट का ऑरेट वैल्यू सबसे बढ़िया होगा वो एंटीऑक्सीडेंट उतना ही बॉडी के लिए अच्छा होगा। अब दोस्तों यहाँ पर्पल चार्ट के अंदर आपको कुछ ऑरेट वैल्यूज दिखाई दिख रही हैं, कोकाया पाउडर है, असाई बेरी है, डार्क चॉकलेट है, इनकी ऑरेट वैल्यू जो इसके सामने दी गई है, जैसे पाउडर के अंदर कोकाया पाउडर के अंदर 26,000 के करीब 100 ग्राम के अंदर आपको ऑरेट वैल्यू मिलता है। असाई बेरी की अगर मैं बात करूं 18,500 मतलब 18,500 के करीब आपको एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर पाया जाता है। ऐसे करके सारी मतलब ये रेजन्स हैं, ब्लूबेरीज हैं, ब्लैक बेरीज हैं, स्ट्रॉबेरी, ये सबकी ऑरेट वैल्यू आपको दिया गया है। लेकिन अब अगर मैं बात करूं सबसे बढ़िया ऑरेट वैल्यू किसके अंदर है, तो हमारे दो प्रोडक्ट हैं बायो प्रोटेक्टेंट एंड कर्क्यूमिन C3 कॉम्प्लेक्स। दोस्तों कर्क्यूमिन C3 कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारा टर्मरिक जो हल्दी होता है उसका मॉलिक्यूल डाला गया है इसके अंदर, और हल्दी का जो रैक वैल्यू है दैट इज 1,59,277 मतलब 1,59,270 जो टी पर 100 ग्राम आपको इसका रैक वैल्यू मिलता है इसके 100 ग्राम के डोज में। और हमारे पास तो सिर्फ हल्दी नहीं है, उसका भी मॉलिक्यूल है, क्योंकि वी हैव कर्क्यूमिन C3 कॉम्प्लेक्स जो 3,090 तरह के कॉम्प्लेक्स में से सिर्फ 3 कॉम्प्लेक्स को चुना गया कि ये बॉडी के अंदर सबसे बढ़िया काम कर सकते हैं, और वो कर्क्यूमिन C3 कॉम्प्लेक्स के ऊपर रिसर्च करके उसका स्टैंडर्डाइज डोज बना के हमें 525 mg का टेबलेट दिया गया। अगर एक बंदा एक 525 mg का टेबलेट लेता है तो दैट इज इक्वल इंटू 2.5 kg ऑफ टर्मरिक। 2.5 किलो हल्दी में जितना कर्क्यूमिन C3 कॉम्प्लेक्स होता है वो हमारी एक टेबलेट के अंदर 525 mg की टेबलेट के अंदर आपको उतना कर्क्यूमिन C3 मिल जाएगा। और रैक वैल्यू की बात कर रहा था 1,59,000 मतलब सबसे बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं तो इससे ऊपर अभी तक एंटीऑक्सीडेंट है ही नहीं। उसके बाद बायोप्रोटेक्टेंट के अंदर कर्क्यूमिन C3 कॉम्प्लेक्स तो है ही है, साथ में इसमें सिलीनियम डाला गया है। अब सिलीनियम आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, सिलीनियम एक ऐसी चीज है जो हमारा पेटेंट है, ये एंटी मतलब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी खत्म करता है, आपके कैंसर के सेल्स को खत्म करता है, आपके कैंसर से बचाता है आपको, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, जबरदस्त इम्यूनिटी बूस्टर है ये, आपके ब्लड फ्लो को प्रॉपर करता है ये, आपके थायराइड ग्लैंड को ये ठीक करता है, ठीक रखता है, ठीक है, तो अस्थमा से आपको बचाता है, बहुत देयर आर लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स ऑफ सिलेनियम। तो ये दो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपके सेल्स को हेल्दी रखने में आपको हेल्प करते हैं। ये दोनों का आप अलग अलग टाइम में और एक साथ भी ले सकते हो, जैसे एक टेबलेट कर्क्यूमिन C3 कॉम्प्लेक्स का ले सकते हो और सुबह शाम बायोप्रोटेक्टेंट भी साथ में ले सकते हो जो एडल्ट लोग हैं। तो आपके अंदर बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं आपके बिल्कुल हेल्दी रहेंगे, क्योंकि सेल्स बूढ़े होते हैं तभी आप बूढ़े होते हो, सेल्स बीमार होते हैं तभी आप बीमार होते हैं। तो दूसरा जो प्रोसेस है दोस्तों हमारे पास, दूसरा प्रोसेस है बॉडी को हेल्दी रखने का, बॉडी के अंदर से क्लींजिंग, डिटॉक्स योर बॉडी। क्योंकि अगर आप बॉडी के अंदर से सफाई, देखिए जो हम खाना खाते हैं वो खाना हम 2-4-5-10 मिनट अपने मुंह से चबाते हैं, उसके अंदर कुछ हमारे टीथ के अंदर कुछ पार्टिकल्स रह जाते हैं, जिससे हमारे अगर हम 2-4 घंटे मतलब रात को अगर खाना खाया सुबह ब्रश नहीं किया तो हमारे मुंह के अंदर से स्मेल आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो दांतों के अंदर खाना सड़ता है। जब खाना सड़ेगा तब वो आपको हार्म पहुंचाएगा, ठीक है, तो बैक्टीरिया पैदा हो जाएगा वहां पे। अब आप सोचिए जो भी आप खाना खाते हो मुंह के अंदर तो आपने 5-10 मिनट ही रखा, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन है जो उसकी जो लेंथ होती है आपकी बॉडी जितनी आपकी हाइट है उससे 6 गुना ज्यादा होती है। मतलब अगर आप 6 फीट के हो आपके पेट के अंदर इतनी सी जगह के अंदर एक लंबी सी पाइप है जिसको हम इंटेस्टाइन बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लास्ट इंटेस्टाइन, वो 36 फीट की होगी। अगर आप 6 फीट के हो तो 36 फीट की आपकी इतनी सी जगह से वो पाइप है। अब जितना भी खाना आपका खाया आपने वो सारा उस पाइप के अंदर से निकल के जाएगा,
अब आपके घर के अंदर किचन के अंदर एक सिंक होता है, उस सिंक के अंदर नीचे एक पाइप लगा होता है जिसमें आप बर्तन धोते हो। आप देखना कभी भी आप जब ऑयली बर्तन धोते हो ना उसके अंदर, या आप एक हफ्ते 10 दिन 15 दिन के बाद उस पाइप को खोल के देखना, उसके अंदर एक टाइसी जमी होगी आपको, उसके अंदर गंदगी जम जाती है क्योंकि वो चिकनाहट जो होती है उसके अंदर जमती है। अगर वो 5 फीट की पाइप के अंदर 15 दिन में चिकनाहट जमती है तो जो आपकी 36 फीट की इंटेस्टाइन है और जो आप खाना खाते हो 72 घंटे तक आपके पेट के अंदर आपकी इंटेस्टाइन के अंदर रहता है, उसके बाद वो बॉडी से आउट होता है। तो 72 घंटे तक आपकी इंटेस्टाइन के अंदर जो खाना रहा वो अगर क्लीन नहीं होगी, अगर वो उसकी सफाई नहीं होगी उस पाइप की, तो वो खाना सड़ेगा और वहीं से आपकी सबसे पहले ये सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी जो लिखी है, एसिडिटी, एलर्जी, फैटी लीवर, कॉन्स्टिपेशन, डिप्रेशन, माइग्रेन, यूरिक एसिड, ये सारी प्रॉब्लम आपको वहीं से शुरू होंगी। अब उसकी सफाई का जो प्रोसीजर होता है, अब घर की जो सिंक की पाइप है वो तो हम ड्रेनेक्स लेके आते हैं, एक पाउच ड्रेनेक्स से उसको साफ कर देते हैं। अब बॉडी हम ड्रेनेक्स पी तो सकते नहीं कि अपनी पाइप को भी उससे साफ कर लें। तो बॉडी की जो इंटेस्टाइन्स है उसको क्लीन करने के जो प्रोसेस जो होता है उसको बोला जाता है डिटॉक्स, डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब बॉडी की क्लींजिंग करना। अब जो आपका कलोन है, जो आपका इंटेस्टाइन है, उसकी सफाई करने के लिए भी यहाँ पे भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट के अंदर अवेलेबल, बहुत सारे। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं, ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर प्रोडक्ट दिख रहा है टॉक्सी फ्लश के नाम से, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको मैं लगातार 7 साल से मतलब लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ, और इस प्रोडक्ट से मैंने इतने बड़े बड़े जादू होते देखे हैं ना, जिसको भूख नहीं लग रही थी उसको भूख लगनी शुरू हो जाती है, जिसका वजन नहीं बढ़ रहा था उसका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसका वजन ज्यादा था उसका कम होना, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म भी आपका ठीक करता है। अगर ज्यादा वजन है ऑबीज हो तो आपको वेट लॉस में हेल्प करेगा, अगर आपका मतलब खाना लग नहीं रहा क्योंकि वो आपकी चोक हुई हुई है, इंटेस्टाइन चोक हुई है, वहीं से बॉडी ने न्यूट्रिशन लेना है तो ये उसको क्लीन करता है, तो बॉडी न्यूट्रिशन लेना शुरू कर देती है, आपकी बॉडी वेट ग्रो हो जाता है। आप मतलब ये इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है और इससे मैंने बड़े बड़े जादू होते देखे। अगर आपको टेस्टिमोनियल चाहिए तो आप यूट्यूब के ऊपर किसी भी सामी ड्रग की टेस्टिमोनियल टॉक्सी फ्लश डाल के देखिए, आपको देयर विल बी लॉट्स ऑफ टेस्टिमोनियल आपको मिल जाएंगे जो टॉक्सी फ्लश से लोगों को करामात हुआ है। अब ये करता क्या है, विक्रोलिप, इसके अंदर ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं और उनके मॉलिक्यूल्स हैं, विक्रोलिप है इसके अंदर, पिपरमिंट ऑयल है इसके, फेनू फाइबर्स है जो मेथी होती है, लैक्टोस्पोर है जो आपको डाइजेशन में हेल्प करता है, लिकोरिस जो मुलट्ठी होती है, ये सारी नेचुरल चीजें हैं। मतलब ये वर्ल्ड का, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि वर्ल्ड का सबसे चीप और सबसे मतलब सेफ प्रोडक्ट है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। मैंने आपको बताया कि डिटॉक्स काफी तरीके से हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ 17 रुपए का कॉस्ट पड़ेगा आपको, साल में आपको सिर्फ 2 कोर्स करने हैं, मतलब 1 साल में आपका डीपी रेट के ऊपर अगर आप इस प्रोडक्ट को खरीदते हो 900 रुपए का ये प्रोडक्ट आपको मिलता है, 60 कैप्सूल आपको 1 साल में खाने हैं, या फिर आप फैमिली पैक बोल देते हैं हम इसको, हस्बैंड वाइफ एक बार एक पैक लिया 900 रुपए का, उसको खाया, आप 6 महीने बाद एक पैक और लीजिए, उसको दोबारा से आप 30-30 कैप्सूल लगातार 1 महीने के लिए, रात को थोड़ा ल्यूक वार्म वाटर, थोड़ा गुनगुने पानी के साथ इसको लीजिए लगातार 1 महीने के लिए, मतलब आपको 1 महीने के बाद पता चल जाएगा इसका जादू क्या है। इस कैप्सूल को आप फिर जिंदगी भर छोड़ नहीं पाओगे, इतनी जबरदस्त चीज है, नेचुरल है, इसका एक भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, अगर हुआ तो आप मेरे साथ बात कीजिएगा, मतलब अगर कोई भी एक भी बंदा आपको बोल दे कि मेरे को इस कैप्सूल से साइड इफेक्ट। तो दोस्तों दूसरा जो हमारा मेन ऑर्गन होता है दैट इज लीवर। लीवर हमारा सबसे मेन ऑर्गन है क्योंकि अगर हार्ट ब्लॉकेज हो जाए तो उसकी भी बाईपास हो सकती है, ठीक है, अगर आईज हो तो उसका भी ऑपरेट हो सकता है, अगर आपका किडनी हो जाए वो भी ट्रांसप्लांट हो जाती है, लेकिन लीवर ट्रांसप्लांट अभी ज्यादा सक्सेस रेशियो नहीं है, शुरू हो गया लेकिन ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है। तो लीवर की, क्योंकि जितना भी हम खाना खाते हैं वही बात आ गई, क्योंकि खाना देखो सारी चीजें वहीं से जुड़ी हुई हैं, बॉडी को खाना चाहिए, खाने में से न्यूट्रिशन चाहिए, खाना हमें खाना पड़ता है। आप गंदा खा रहे हैं या अच्छा खा रहे हैं वो डिपेंड करता है आप कितने हेल्दी रहोगे, अगर खाना गंदा खाओगे तो आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। वो सारा डाइजेस्ट किसको करना पड़ता है, वो लीवर को डाइजेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि खाना सबसे पहले फूड पाइप के थ्रू आपके पेट में जाता है, पेट में आपका लीवर उसको केमिकल फॉर्मेशन मतलब केमिकल रिलीज करता है, उसको डाइजेस्ट करता है, फिर वो इंटेस्टाइन्स के अंदर जाता है, वहां से बॉडी जितना भी न्यूट्रिशन प्रोटीन कैल्शियम वो अब्सॉर्ब करना है आपकी इंटेस्टाइन से अब्सॉर्ब करना है। तो अब लीवर को पहले तो डिटॉक्स, लीवर की जो क्लींजिंग है उसके लिए हमारे पास एक जबरदस्त प्रोडक्ट है दैट इज लिव स्ट्रॉन्ग। अगर आप लिव स्ट्रॉन्ग,
रेगुलर लेते हो, मतलब हर 3 महीने बाद एक बॉटल या 6 महीने बाद एक बॉटल लेते हो, तो आपका लीवर बिल्कुल हेल्दी रहेगा। लेकिन आजकल आपने सुना होगा दोस्तों, आजकल बड़े सारे केसेस देखने में आ रहे हैं कि बंदा कहता है जी मैंने जिंदगी में कभी ड्रिंक नहीं की, जिंदगी में कभी नॉनवेज नहीं खाया, कभी बाहर का खाना नहीं खाया, लेकिन जब मैंने अल्ट्रासाउंड कराया तो मेरा फैटी लीवर Grade 1 या Grade 2 या Grade 3 आ गया। तो ये सब किस लिए आ रहा है? क्योंकि लीवर, अगर हम कहते हैं कि गंदा खाना क्या, मतलब ड्रिंक करता है जो ज्यादा है, जो ज्यादा नॉनवेज लेता है, जो ज्यादा फ्राइड लेता है, उसका तो माना कि लीवर फैटी हो सकता है, लेकिन जिसने ये चीजों को हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन उसका कारण क्या है दोस्तों? जो हम खाना खा रहे हैं ना उसमें पेस्टिसाइड्स की इतनी ज्यादा मात्रा है, जो पानी पी रहे हैं वो इतना पोल्यूटेड है कि वो भी हमारे लीवर को डाइजेस्ट करना मुश्किल है, जिसके कारण हमारा लीवर फैटी हो रहा है। और फैटी लीवर 3 ग्रेड तक होता है, Grade 1, Grade 2, Grade 3, उसके बाद आपको फाइब्रोसिस हो जाता है, और फाइब्रोसिस के बाद एक ही स्टेज रहती है लीवर सिरोसिस की, अगर वो हो गया तो लीवर को बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लिपस्टोंग जो मैं आपको बता रहा हूँ, लिपस्टोंग एक ऐसी चीज है आपको इससे बचा के रखेगा, आपको ये चीजें कभी होने ही नहीं देगा। अगर आप ड्रिंक भी लेते हो, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ड्रिंक से 1 घंटा पहले एक कैप्सूल लिपस्टोंग लीजिए। उसके 2 फायदे होंगे आपको, एक तो उस ड्रिंक का आपके लीवर पे ज्यादा इफेक्ट तो जाएगा लेकिन ज्यादा इफेक्ट नहीं जाएगा। सेकंड थिंग, आपकी जो ड्रिंक की कैपेसिटी है वो, अगर आप जितनी ड्रिंक, अगर सपोज आप 100 ml ड्रिंक लेते हो, आप 50 ml में ही उतने सेटिस्फाइड हो जाओगे, क्योंकि 50 इसमें लीवर को इतना हेल्दी कर देना कि आपकी वो क्वांटिटी वैसे ही कम हो जाए। तो लिवाइटिस और लिपस्टोंग, लिवाइटिस आपको अगर ये डिजीज हो गई, कोई फैटी लीवर आ गया, तो आपको 3 महीने लगातार लिवाइटिस लेना चाहिए, 1 टेबलेट सुबह 1 टेबलेट शाम को। ये लिवाइटिस आपका फैटी लीवर, लीवर फाइब्रोसिस तक ये काम करता है, बहुत जबरदस्त टेबलेट है। इसके अंदर भी, दोनों के अंदर कर्क्यूमिन C3 कम्प्लेक्स भी है, और आपको बता दूं पिक्रोलिप भी है लिपस्टोंग के अंदर, कर्क्यूमिन C3 कम्प्लेक्स और बायोप्रिन भी है। दोस्तों हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, आपको आज बता दूं कि बायोप्रिन, आप पढ़िएगा उनके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं, उनके अंदर बायोप्रिन आपको जरूर मिलेगा। 99% प्रोडक्ट्स के अंदर बायोप्रिन है। अब बायोप्रिन इज एक्टिव मॉलिक्यूल ऑफ ब्लैक पेपर, बायोप्रिन एक्टिव मॉलिक्यूल काली मिर्च का होता है। अब काली मिर्च क्या करती थी, हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया कि काली मिर्च खाने से डाइजेशन बढ़ता है। इसी तरह जब हम किसी न्यूट्रिशन को लेते हैं, बॉडी उसको कभी भी 100% कंज्यूम नहीं कर पाती। सपोज करो हमने 100 mg कैल्शियम लिया या 500 mg कैल्शियम लिया, तो बॉडी कभी भी 500 mg को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, वो 100-200 मतलब 20-40% ही एब्जॉर्ब कर पाती है नेचुरल प्रोसेस के अंदर, बाकी का फ्लश आउट हो जाता है। लेकिन बायोप्रिन एक ऐसा चीज है, जो हमारा पेटेंट है, सामी के पास ये पेटेंट है, और आपको हर एक प्रोडक्ट के अंदर मिलेगा। बायोप्रिन डालने से आपकी जो एब्जॉर्प्शन पावर है वो 30-40% इनहांस हो जाती है। अब इसका मतलब क्या, आपने कैल्शियम 100 mg खाया, पहले कितना कंज्यूम होता था, 20-30 mg, अब अगर उसके अंदर बायोप्रिन डल गया तो वो 70-80 ग्राम, मतलब आपका जो पैसा आप खर्च कर रहे हो वो वेस्ट नहीं जा रहा, आपके बॉडी के अंदर वो 70-80% तक कंज्यूम हो रहा है ड्यू टू बायोप्रिन। इसी तरह लिवाइटिस के अंदर आपको लिविनॉल मिल जाएगा, और कर्क्यूमिन C3 कॉम्प्लेक्स और बायोप्रिन मिलेगा, बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन के ये दोनों प्रोडक्ट्स हैं लीवर के लिए। अब तीसरी चीज आ गई इम्यूनिटी। आज पूरा वर्ल्ड के अगर हम बात करें, इम्यूनिटी हर जगह यही है कि इम्यूनिटी को बढ़ाओ अगर कोरोना से बचना है। कोरोना नहीं दोस्तों, आपको बता दूं कि इम्यूनिटी एक ऐसी चीज है जो बॉडी के अंदर हर एक बीमारी को ठीक करने की ताकत है, रोग प्रतिरोधक शक्ति, जो शक्ति होती है हमारी, दैट इज इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी के लिए सब लोग यही कह रहे हैं विटामिन C3 खाओ, जिंक खाओ, आप हल्दी ले लो, आप अदरक ले लो, ये ले लो, वो ले लो, लेकिन हमारे पास एक रिसर्च पिछले साल, हमारे देखो कितनी बढ़िया बात है, कंपनी को लगा कि ये प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है तो इमीडिएट आपको इस प्रोडक्ट को निकाल के लिए, इम्यूनिटी के लिए स्पेशल एक प्रोडक्ट आया हमारा, दैट इज इम्यू एक्टिव। अब इम्यू एक्टिव आप किसी भी बंदे को लगातार दीजिए, सुबह शाम एक एक कैप्सूल दीजिए। मतलब मैंने ऐसे ऐसे केसेस जिनको कोरोना हो भी गया, क्योंकि कोरोना के वायरस को हम नहीं रोक सकते, वो बॉडी के अंदर एंटर कर सकता है, लेकिन वो कितना हार्मफुल रहेगा आपके लिए, ये हमारी चीज में हाथ है, ये हमारे हाथ में है। अगर आपकी इम्यूनिटी बढ़िया बन गई तो अगर कोरोना वायरस, दोस्तों मैं आपको अपना ही एक्सपीरियंस बता देता हूँ, मैं रेगुलर कर्क्यूमिन C3, लिपस्टोंग, इम्यू एक्टिव, ये रेगुलर प्रोडक्ट लेता हूँ मैं सारे। मतलब मेरे घर के अंदर कम से कम, हम 4 मेंबर्स हैं, 5वें मेरे फादर हैं, मतलब 5ों के लिए कम से कम हम 5 से 7 हज़ार रुपये का न्यूट्रिशन एवरी मंथ हम कंज्यूम करते ही करते हैं।
क्योंकि मुझे पता है अगर आज ये 5,000 रुपया अपनी फैमिली पे मैं नहीं लगाऊंगा ना, तो कल को करोड़ों रुपया मुझे हॉस्पिटल में देना पड़ेगा। फिर भी बंदा बचेगा या नहीं बचेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। देखो उम्र तो जितनी भगवान ने लिखी हुई है उतनी जी के जानी है, लेकिन बेहतर है जब तक हम जीते हैं, जब तक हम सांस ले रहे हैं, कम से कम बेड पे लेट करना, किसी पे बोझ बन के जाए, अपनी बॉडी को हेल्दी रखें ताकि हम हंसते हंसते इस लाइफ को एंजॉय कर सकें। तो इम्यूएक्टिव एक ऐसी चीज, मैं आपको बता रहा था मेरा खुद का पूरी फैमिली कोरोना पॉजिटिव हो गई थी। इवन मेरी 8 साल की बेटी है छोटी, वो भी कोरोना पॉजिटिव थी। मेरी 12 साल की बेटी है, वो भी कोरोना पॉजिटिव थी, मैं और मेरी वाइफ। अब यकीन मानिए एक भी सिम्टम हमें कोरोना का नहीं आया। हमने पूरा मतलब परहेज किया, 15 दिन के लिए हम आइसोलेट हुए, लेकिन कभी एक भी सिम्टम देखने को नहीं मिला। क्योंकि शायद इन्हीं प्रोडक्ट्स की वजह से, मैं थैंक करता हूँ डॉक्टर मजीद का और सारी ऑर्गेनाइजेशन का, सारी जितने भी हमारे एडमिन हैं, जो भी हमारी मैनेजमेंट है, जिन्होंने इन प्रोडक्ट्स को हमारे तक पहुंचाया ताकि हम अपनी फैमिली को और अपने आप को हेल्दी रख पाए। और जिंक हमारे पास अलग से भी दिया गया है, वैसे इम्यून एक्टिव के अंदर भी जिंक मिल जाएगा आपको। इसमें C3 रिडक्शन है। अब C3 रिडक्ट फॉर्म के अंदर ये कर्क्यूमिन C3 कम्प्लेक्स से भी ज्यादा बढ़िया हो जाता है। इसकी मतलब साइंस में नहीं जाएंगे हम, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है आपको, और C3 रिडक्ट फॉर्म के अंदर आपकी इम्यूनिटी को बहुत बढ़िया तरीके से ये आपको बूस्ट करता है, और आपको ये मतलब वायरल इन्फेक्शन से प्रिवेंट भी करता है C3 रिडक्ट। ऐसी जिंक मिल जाएगा आपको, मैंने आपको विटामिन D3 है इसके अंदर, सर्च है कि आपको इम्यूनिटी के लिए और कुछ लेने की जरूरत नहीं है अगर आप इम्यून एक्टिव ले। और लास्ट मंथ इसके ऊपर स्कीम भी आया था। तो इसी तरह जब आपको पता है कि ये प्रोडक्ट हमने जो आप फैमिली के लिए यूज करना चाहते हैं, क्योंकि जब तक आप प्रोडक्ट खाओगे नहीं ना, आपके अंदर से आवाज ही नहीं आ पाएगी कि आप इस प्रोडक्ट को, आप किसी को रिकमेंड नहीं कर पाओगे, मतलब वो एक फेक सा रिकमेंडेशन लगता है। जब भी कोई स्कीम आती है, जब भी कोई प्रमोशन आता है, एक के साथ एक फ्री, या जो फ्री वाला प्रोडक्ट है ना, मैं आपसे दोस्तों निवेदन करता हूँ, वो फ्री वाला प्रोडक्ट आप अपने घर में यूज कीजिए, क्योंकि उस प्रोडक्ट को खाने के बाद जो आपको एक्सपीरियंस अंदर से फीलिंग आएगा ना, फिर आप जो प्रमोशन करोगे आपका बिजनेस दिनों में डबल हो जाएगा। मेंस हेल्थ केयर की अगर मैं बात करूं तो मेंस हेल्थ केयर के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन 2 प्रोडक्ट्स इतने जबरदस्त हैं जिनको आपको जरूर लेना चाहिए। फर्स्ट वन इज एक्स्ट्रा स्ट्रांग। एक्स्ट्रा स्ट्रांग आपकी पावर को इन्हांस करता है, आपकी स्टेमिना को बूस्ट करता है, क्योंकि इसके अंदर अश्वगंधा का एक्सट्रैक्ट है। और दूसरा है वाइटा एसेंशियल। वाइटा एसेंशियल तो मतलब मेंस और विमेन और बुजुर्ग सबको लेना चाहिए, क्योंकि दिस इज द मल्टी विटामिन टेबलेट, जो मल्टी विटामिन और मिनरल दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसकी आपको USP बता दूं कि इसके अंदर खासियत क्या है वाइटा एसेंशियल के अंदर, दिस इज अ बाईलेयर टेबलेट। आप इसकी टेबलेट को जब खोल के देखोगे आपको 2 कलर की टेबलेट दिखाई देगी, यहाँ पे पिक्चर में भी दिख रहा है, स्काई ब्लू और ब्राउन कलर का। इसका मतलब है कि ये इसके अंदर मिनरल और जो आपके विटामिन्स हैं दोनों अलग अलग लेयर के अंदर है। जितने भी आपके मिनरल्स हैं आपके पेट के अंदर डिजॉल्व होते हैं, ये आपके स्टमक के अंदर डिजॉल्व होते हैं, और जितने न्यूट्रिशन वैल्यू है जो भी विटामिन्स हैं वो आपकी इंटेस्टाइन्स के अंदर डिजॉल्व होते हैं, क्योंकि जितना भी ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है ना वो हमारे मिनरल्स करते हैं। तो मिनरल्स आपको कंज्यूम कराने में हेल्प करता है ये। इसकी टेक्नोलॉजी बहुत जबरदस्त है। इसकी टेक्नोलॉजी के ऊपर मतलब अगर मैं बात करूंगा तो 1 घंटा इसी के ऊपर बात कर सकता हूँ। इसकी टेक्नोलॉजी में आपको देखिए, आप लेमैन की अगर मैं बात करूं तो उसको इतना पता होना चाहिए कि इसमें USP क्या है। USP आपको बता दिया कि इसके अंदर बाइलियर टेबलेट है, मिनरल और वाइटामिन अलग अलग लेयर के अंदर है। और दूसरी इसकी जो USP है दैट इज कि ये सस्टेन रिलीज टेबलेट है। सस्टेन रिलीज के बारे में बहुत सारे लोग जानते होंगे, जिनको नहीं पता उनको थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं। सस्टेन रिलीज का मतलब आपने सुबह नाश्ते के बाद एक टेबलेट लिया, अब इस टेबलेट के अंदर सारा कुछ है जो भी आपकी बॉडी को चाहिए, विटामिन B3, D3, कैल्शियम, आयरन, सब कुछ है इसके अंदर। अब सपोज करो आपका आयरन बॉडी के अंदर उस समय पूरा है जब आपने इस टेबलेट को लिया, लेकिन आपने कुछ एनर्जी यूज की अपनी बॉडी की, थोड़ा सा आयरन आपका या कैल्शियम आपका कंज्यूम हो गया। अब जितना कंज्यूम हुआ ये बॉडी आप ये टेबलेट आपकी बॉडी के अंदर 24 घंटे तक सस्टेन रहेगा। जो भी आपका विटामिन या मिनरल आपका लॉस होगा ये वहां से इसको पूरा करता रहेगा, मतलब 24 घंटे तक उसको ये सस्टेन करके रखते हैं। दिस इज सेकंड USP ऑफ दिस प्रोडक्ट, सुपर प्रोडक्ट। अब अगर बच्चों की बात करूं दोस्तों,
तो आजकल के जो हमारे बच्चे हैं, जो आज से 10 20 50 साल पहले की बात करूं या 100 साल पहले की बात करूं, जो हाइट थी बच्चों की, जो ग्रोथ थी, आज वैसी ग्रोथ और वैसी हाइट हमें नहीं देखने को मिलती। उसका कारण वही है जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि जंक फूड। कुरकुरे बच्चों को दे दो एकदम से खा लेंगे, लेकिन दूध का गिलास दोगे नहीं पियेंगे। अगर दूध का गिलास, चलो कई बार मदर थप्पड़ थप्पड़ मार के पिला भी देती है, अब हमें ये भी श्योर नहीं है कि उस दूध में उसको कैल्शियम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, उस दूध में उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। आप जाके वीडियोस देखिए कि आजकल दूध बनाने के ऐसे केमिकल आ गए हैं कि उसको पानी में मिलाओ और वो दूध बन जाता है। हो सकता है हम वही ले रहे हैं, उसकी खुशबू भी आपको दूध जैसी लगेगी, तो ये भी नहीं पता। सो अगर आप देखो हमारा मोटिव क्या है, आप अपने घर के अंदर एप्पल लेके आते हो, फ्रूट्स लेके आते हो, अब एप्पल की बात करते हैं, 150 से 250 रुपए किलो तक एप्पल आता है, हम लेके आते हैं 4-5 एप्पल चढ़ते हैं। अगर उसका मोटिव क्या है कि हम अपने बच्चों को बीटा कैरेटिन या न्यूट्रिशन देना चाहते हैं, इसीलिए उस चीज पे पैसा खर्च किया जाता है। बादाम पे क्यों पैसा खर्च करते हैं, दूध पे क्यों पैसा खर्च करते हैं, वो सब इसीलिए किया जाता है कि हमें बॉडी को हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो यहां से पूरी होगी। लेकिन आपको बता दूं कि जो भी फ्रूट या कोई भी फल या सब्जी, अगर वो जब पेट से टूटता है उसके 72 घंटे तक उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो उसके अंदर रहती है, उसके बाद वो डिक्लाइन होनी शुरू हो जाती है। अब आप पहले देखिए, जो पहले के जमाने में हम देखते थे कि हमें सीजनल फ्रूट या सब्जी मिलती थी, कि अगर आपको जिस सीजन का फ्रूट है उसी में मिलता है। आज की अगर मैं बात करूं तो सीजन, आप किसी भी सीजन में कोई भी फ्रूट ले लो, कोई भी वेजिटेबल ले लो, आपको अवेलेबल है। उसका कारण कि आजकल वो सारा कुछ स्टोर करके रखते हैं। अब अगर आप 6 महीने स्टोर किया हुआ कोई भी फ्रूट या कोई भी मतलब वेजिटेबल अपने घर में 250 रुपए खर्च करके लेके आ रहे हो और उसको खुद खा रहे हो या अपने बच्चों को खिला रहे हो, तो सॉरी टू से कि उसके अंदर 1 रुपए की भी आपको न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं मिलने वाली। हाँ, सीजन का मिलेगा, सीजन का खाओगे तो उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू बिल्कुल रहेगी। लेकिन अगर आप 6 महीने स्टोर में पड़ा हुआ फ्रूट या वेजिटेबल यूज कर रहे हो तो न्यूट्रिशन वैल्यू इज जीरो, आप सिर्फ अपने टेस्ट के लिए उस चीज को यूज कर रहे हो। तो यहां पे एक चीज दिखाई दे रही है, ऑर्गेनिक स्पिरुलिना। ऑर्गेनिक स्पिरुलिना इज अ फूड ऑफ टुमारो कहा गया है इसको। बॉडी के अंदर 46 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है बॉडी को, तो न्यूट्रिशन वैल्यू को जो बॉडी के अंदर चाहिए, तो ये एक ऐसा फूड है। बेसिकली दिस इज अ एल्गी, काई जिसको बोलते हैं, स्पिरुलिना एल्गी होता है जो हम डीप सी के अंदर से, ऑर्गेनिक इसीलिए लिखा गया है इसको, डीप सी के अंदर जो पेड़ पौधे होते हैं उनके ऊपर जो काई आती है वहां से इसको निकाला जाता है। अब एक बॉक्स के अंदर लिखा है 1 kg ऑफ स्पिरुलिना इज इक्वल टू 1000 kg ऑफ असॉर्टेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। मतलब अगर आपने 1 किलो स्पिरुलिना खा लिया या अपने बच्चों को खिला दिया, तो उसका मतलब आपने 1 क्विंटल हरी ताजी सब्जियां और फल खा लिए। इसके अंदर इतनी वैल्यू है, और टेबलेट का मात्र जो आपको कॉस्ट आता है दैट इज इक्वल टू 9 रुपीज। तो दूसरी जो देखते हैं हम अपने बच्चों के अंदर इन्फेक्शन, आजकल वायरल इन्फेक्शन बच्चों को बहुत जल्दी हो जाता है। छोटे छोटे बच्चे डायबिटिक हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे ओबीज हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को अस्थमा हो रहा है। तो जब भी मौसम चेंज होता है तो बच्चों को सर्दी जुकाम बुखार ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये क्या कारण है इसका? इम्यूनिटी। बच्चों की इम्यूनिटी आज वैसी नहीं है जैसी होनी, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी के लिए बच्चों को मदर फीड जो होती है ना, मदर फीड, उसके अंदर कोलेस्ट्रम होता है। अब कोलेस्ट्रम बच्चे की इम्यूनिटी को सारी लाइफ के लिए बना के रखता है। अब आजकल क्या हो रहा है कि मदर फीड बच्चों को बहुत कम, क्योंकि जो पहले 6 घंटे की फीड होती है, जब बच्चे का बर्थ होता है 6 घंटे की फीड, उसके अंदर कोलेस्ट्रम रहता है, तो वो आजकल नॉर्मली मिल ही नहीं पा रही बच्चों को, क्योंकि जब डिलीवरी होती है मोस्ट प्रोबेबली डिलीवरी सजेरिन होती है। सजेरिन होने के बाद बच्चे को जॉन्डिस हो जाता है, उसको मतलब नर्सरी में निक्कू में ले जाते हैं, ट्यूबों के अंदर रख देते हैं, और मदर बेचारी स्ट्रेच लगे होते हैं, उसको होश नहीं होती, तो वो पहली फीड बच्चों को मोस्टली मिल ही नहीं पाती। तो कर्क्यूमिन C3 कम्प्लेक्स का च्यूएबल टेबलेट आता है बच्चों के लिए, जो कि ऑरेंज फ्लेवर के अंदर है, बच्चा टॉफी की तरह चूस के खाएगा आपका। अगर आप ये बच्चों को साल में 2-3 बॉटल खिलाओगे, क्योंकि तो चूसने वाली ये 4-5 साल से ऊपर आप किसी भी बच्चे को दे सकते हो, चूस के टॉफी की तरह बच्चा खाएगा। तो बच्चे को जो प्रॉब्लम आ रही है आपका, वायरल इन्फेक्शन हो रहा है हर 6 महीने बाद, बच्चों को डिजीज आ रही है, तो उससे आप उनको बचा सकते हो। अब बात करते हैं स्पिरुलिना की पावर की। मैंने आपको बोला 1 किलो स्पिरुलिना 1000 किलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बराबर होता है। तो यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है, 6 ग्राम ऑफ स्पिरुलिना, मतलब जो 6 ग्राम, मतलब हमारी एक टेबलेट है जो 500 मिलीग्राम की है, मतलब हमारी 2 टेबलेट में 1 ग्राम हो जाता है।
12 टैबलेट के अंदर 6 ग्राम हो जाता है, मतलब 12 टैबलेट के अंदर जितनी पावर है वो इस चार्ट में आप पढ़ सकते हो। अगर आप किसी को 26 ग्लास ऑफ काउ मिल्क बॉटल्स, 550 एप्पल, 16 सार्डन फिश, 20 ग्रीन चिलीज, 47 स्ट्रॉबेरीज, 450 ग्रेप्स, ये सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लेके आते हैं अपने घरों में, मतलब ये इक्वल इन टू, ये सारा कुछ मिला के 12 टेबलेट के अंदर उतनी ताकत है। और ये मैं प्रूव कर सकता हूँ क्योंकि इसके इससे हमने बड़े जबरदस्त रिजल्ट लिए। बहुत ही वंडरफुल प्रोडक्ट है और बहुत ही सस्ता पड़ता है आपको, और प्रमोशन तो कंपनी देती ही रहती है। ये अपने फैमिली के अंदर जरूर, अपने बच्चों को खासकर, क्योंकि उनको हाइट बढ़ने के लिए प्रोटीन और न्यूट्रिशन की जरूरत होता है, और इससे बढ़िया न्यूट्रिशन आपको किसी भी चीज से नहीं मिल सकता। इसे चीप एंड बेस्ट। अब ओल्ड एज की बात करते हैं, घर के अंदर बुजुर्ग हैं जो, जब भी हमारी बॉडी 40-50 साल की एज को क्रॉस करती है तो बॉडी के अंदर एक एंजाइम है, दैट इज COQ10 एंजाइम, वो बॉडी के अंदर बनना डिक्लाइन हो जाता है। वो नेचुरल प्रोसेस है, 25-30 साल तक बॉडी के अंदर बहुत बढ़िया बनता है वो, उसके बाद वो डिक्लाइन होता है, ये नेचुरल है, बॉडी का नेचर है। तो दोस्तों आपको बताऊं कि 95% ऑफ ह्यूमन बॉडी की जो एनर्जी है, जो हमारी, हम कितने एनर्जी, आप देखो दो बंदे देखेंगे आपको, एक 60 साल का होगा, एक 30-35 साल का होगा, मतलब आपको देखने में मिलता है कि वो 60 साल वाला इतना एनर्जेटिक होता है, वो फुर्ती से काम करता है, लेकिन वो 35 साल वाला ऐसे बैठा होता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि बॉडी तो सेम है दोनों की, वही हार्ट है, वही हाथ है, वही आंखें, कंधे, पैर, सब कुछ सेम है, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी लेवल है वो कम है। अब एनर्जी लेवल कहां से आएगा? दोस्तों 95% ऑफ ह्यूमन बॉडी एनर्जी इज जनरेटेड बाय COQ10 एंजाइम। आप कितने एनर्जेटिक हो ये डिसाइड करता है कि आपकी बॉडी के अंदर कितना COQ10 एंजाइम बन रहा है। अब ये 25 साल तक तो मैंने बोला कि ये फूड से बॉडी लेती है, आपको देती है, लेकिन उसके बाद आपको ये सप्लीमेंट ही करना पड़ता है। अब सप्लीमेंट करने का हमारे पास सबसे बढ़िया, हमारा जो COQ10 है दैट इज ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, बीज, अंगूर का जो बीज होता है उसके बीज में से इसको निकाला जाता है, विटामिन ई के, उसकी आगे बताऊंगा स्लाइड में मैं आपको, कि ये जबरदस्त चीज है। और सेकंड इसका जो बेनिफिट है, आपका हार्ट, आपकी लीवर और आपकी किडनी के जो सेल्स हैं, ये उसको कभी बूढ़ा नहीं होने देता, उसको कभी ये बीमार नहीं होने देता। मतलब अगर आप COQ10 प्रॉपर 40 साल जो क्रॉस कर गए ना, उनको तो ये प्रोडक्ट लेना ही चाहिए। मैंने आपको बताया 5,000-7,000 के प्रोडक्ट हम खाते हैं, वो सब कुछ मिक्स करके खाते हैं, क्योंकि ये भी मैं खाता हूँ। इससे क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी रहेगी और आपका हार्ट, लीवर और किडनी की ये इंश्योरेंस करके रखता है। दूसरा प्रोडक्ट है हमारे पास ओमेगा बायो प्लस। 60% ऑफ ब्रेन इज मेड ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड। हमारा जो दिमाग होता है ना, 60% जो दिमाग है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड से ही बना होता है। और इसकी ये डाइट है, इसका फूड है ये ओमेगा। ये हमें कहाँ से मिलता है? अखरोट से मिलता है, बादाम से मिलता है, बहुत सारे सोर्सेज हैं जहाँ से हमें ओमेगा मिलता है। लेकिन आजकल दोस्तों, अब बादाम अगर मैं बात करूँ तो कहते हैं ना, बुजुर्ग हमारे कहते थे बादाम खाया करो तेरा दिमाग तेज होगा, वो इसी चीज से रिलेटेड है कि आपका जो दिमाग है उसका खुराक है ओमेगा। ओमेगा हमें बादाम से मिलता है या अखरोट से मिलता है। अखरोट की आप शेप भी देखोगे तो दिमाग जैसी शेप होती है अगर उसको खोल के देखोगे, तो ओमेगा बादाम से मिलेगा। वही बात आ गई, अब जो बादाम है, एक लेजर टेक्नोलॉजी आ गई है कि बादाम के ऊपर से वो लेजर टेक्नोलॉजी डाली जाती है, उसका नीचे से तेल निकाल लिया जाता है। बादाम आपको जो मिलता है बिना ऑयल के मिलता है। अगर बादाम खाना है तो ऑयल वाला खाओ, जो बारीक होता है जिसके अंदर ऑयल होता है। तो वो वहां से जब उसका ऑयल निकाल लिया तो आपने वही चीज होगी जो स्टोर में रखा हुआ एप्पल खा रहे थे 6 महीने बाद, ऐसी वो बादाम जितना मर्जी 800-900 रुपए खर्च करके खाओ, आपको उसमें से ओमेगा उतना मिलेगा ही नहीं जितना चाहिए था, क्योंकि उसका ऑयल पहले से निकाल लिया गया। अब ये भी आपको सप्लीमेंट करना पड़ेगा। अब सप्लीमेंट करने का बेस्ट वे, ओमेगा जो निकलेगा या तो फिश ऑयल से मिलता है हमें, या हमें अलसी से मिलता है। अलसी सुना होगा, फ्लैक्स सीड जिसको हम बोलते हैं। तो हमारा जो सोर्स है दैट इज फ्लैक्स सीड। हम अलसी से ओमेगा को निकालते हैं, ओमेगा 3, 6, 9 फैटी एसिड्स का ये कॉम्बिनेशन है। ये सॉफ्ट जेल के रूप में आता है, मतलब आपको जिसके बीपी की प्रॉब्लम है, जिसको मतलब मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम है, जिसको ब्रेन का कोई भी प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है, या जिसको हेयर फॉल है इवन, वहां पे ये जबरदस्त काम करता है। ओमेगा हेयर फॉल भी रोकेगा आपका, आपका स्ट्रेस भी कम करेगा, आपका बीपी भी नॉर्मल करेगा। ये आपकी अगर आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज है, ये दोनों प्रोडक्ट वो ब्लॉकेज को भी क्लियर करेंगे, ओमेगा और COQ10।
एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है हार्ट पेशेंट के लिए स्पेशली। ये मैंने आपको बताया ओमेगा 369 फैटी एसिड्स का कॉम्बिनेशन है, सिसामिन कॉम्प्लेक्स होता है इसके अंदर और बायोप्रिन होता है, और जो सोर्स होता है हमारा ओमेगा का दैट इज फ्लैक्स सीड्स। और सीओ की एंजाइम की बात करूं तो ग्रेप सीड से हम सीओ की 10 लेते हैं, और इसके अंदर विटामिन ई डाला गया है, या आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। और थर्ड थिंग है इसके अंदर बायोप्रिन। तो उसके बाद बात करेंगे दोस्तों विमेन हेल्थ केयर के ऊपर। अब जितनी भी लेडीज हैं, ये जो बीमारियां आपको दिख रही हैं, फटीग, ठीक है, डिप्रेशन, हेयर लॉस, उनको पीसीओडी, इंसोमनिया, मतलब ये सारी बीमारियां कहाँ से शुरू होती हैं? इसके दो कारण हैं। जितनी भी 90% जो बीमारियां हैं लेडीज को, जो शुरू होने का कारण दो होते हैं, एक आयरन और दूसरा कैल्शियम। क्योंकि उनकी बॉडी को आयरन कैल्शियम ज्यादा चाहिए होता है, मतलब कंपैरेटिवली टू मेंस। तो वो आयरन और कैल्शियम जब उनकी बॉडी को पूरा नहीं होता, तो वही चीज जो मैंने शुरू में बात की थी कि उनकी बॉडी जब डेफिशिएंट होती है तो वो किसी डिसऑर्डर में चली जाती है, डिसऑर्डर से वो धीरे धीरे अगर नहीं ध्यान देते तो वो डिजीज बन जाती है। ये जो घुटने दुखने, ये कंधे दुखने, बैक एक होनी, सिर दुखना, ये सारी चीजें यहीं से शुरू होती हैं। तो अब इसका सोर्स फूड है, लेकिन फूड से हमें आयरन और कैल्शियम प्रॉपर मिल नहीं रहा, दूध से हमें कैल्शियम अगर नहीं मिलेगा तो हमें सप्लीमेंट करना पड़ेगा। आयरन अगर हमें गाजर से, पालक से नहीं मिलेगा, ठीक है, हमें वो सप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो सप्लीमेंट अब वही आ गई, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। देर आर लॉट्स ऑफ कंपनीज विच आर प्रोवाइडिंग आयरन एंड कैल्शियम। लेकिन अपने आयरन और कैल्शियम की आपको यूएसपी बता देता हूँ कि वी हैव आयरन दुनिया के अंदर, मेरे ख्याल से 99% जो आयरन बिक रहा है वो केमिकल फॉर्मेशन का आयरन है, इनऑर्गेनिक आपको मिलेगा वो आयरन। लेकिन वी हैव अ न्यू टेक्नोलॉजी, हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी इन्वेंट की डॉक्टर मजीद एंड साइंटिस्ट ने, हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी इसको बोला जाता है। ये मूंग की दाल से, उसके स्प्राउट से आयरन को सोर्स करते हैं, मतलब आयरन है जो मूंगी की दाल को स्प्राउट बना उसका, 1 किलो स्प्राउट इज इक्वल टू 1 टेबलेट ऑफ अवर बायो आयरन। इतनी जबरदस्त चीज है। और जो कैल्शियम है, कैल्शियम आपको जितना भी मार्केट के अंदर 95% कैल्शियम आपको कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है कि वो उसका जो सोर्स होता है या तो चूना होता है या केमिकल फॉर्मेशन होती है, शंख से वो पिष्टी से बनता है वो। तो वी हैव अ सोर्स, फाइटो सोर्स ऑफ कैल्शियम। हम जितना भी कैल्शियम लेते हैं उसका जो सोर्स होता है वो प्लांट से लिया जाता है, प्लांट से या वेजिटेबल से कैल्शियम को निकाला जाता है। और वी हैव कैल्शियम सिट्रेट मैलेट, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है, कैल्शियम सिट्रेट मैलेट है विद विटामिन D3, विटामिन D3 है इसके अंदर। अब ये दोनों प्रोडक्ट और बाजार वाले प्रोडक्ट में फर्क क्या है वो थोड़ा समझते हैं, 1 मिनट का टाइम लेंगे। अब जितना भी आयरन और कैल्शियम, आप एक काम कीजिए, आयरन की कोई भी टेबलेट बढ़िया से बढ़िया कंपनी की लीजिए, पानी को उबालिए, पानी को उबाल के उस टेबलेट को पीस लीजिए, पीस के पानी में घोलते रहिए। जितने भी कैल्शियम की आप कोई भी अच्छी से अच्छी कंपनी की टेबलेट लेके उसको पीस के उबलते हुए पानी में 2-3 मिनट हिलाते रहिए, उसको कांच के गिलास में डाल के अब उसको ऐसे रख दीजिए। अब 10 मिनट बाद उसमें देखना, एक नीचे एक लेयर जमी होगी, कैल्शियम की लेयर जमी होगी। अब उसका मतलब क्या है कि ये 100% पानी में घुला नहीं, ये 100% वाटर सोल्यूबल नहीं है। अब ऐसी कोई आयरन का कैप्सूल जब आप लोगे मार्केट से, उसको खोलना, खोल के मैग्नेट जो होता है, मैग्नेट चुंबक जिसको बोलते हैं, जो लोहे से चिपकता है, अब उस दाने होते हैं उसके अंदर, उस दानों के ऊपर ऐसे मैग्नेट फेरना, कुछ दाने मैग्नेट के ऊपर चिपक जाएंगे। अब इसका मतलब क्या कि वो प्रॉपर आयरन ही है। जो अब वो डाइजेस्ट कैसे होगा, लोहा खाओगे तो क्या डाइजेस्ट कर पाओगे आप? तो इसी तरह जो हमारा जो आयरन और कैल्शियम है, मैंने आपको बताया दैट इज 100% वाटर सोल्यूबल, बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। अब उसमें और इसमें फर्क क्या हुआ कि वो जाके जब 100% एब्जॉर्ब नहीं होता तो वो एक्यूमुलेट होता है आपकी बॉडी के अंदर, जिससे स्टोन फॉर्मेशन होता है, आपको पथरियां होने का खतरा रहता है। और अगर आप ये बायो आयरन और कैल्शियम मैक्स लेते हो दोस्तों, आप जिंदगी भर लगातार भी इसको लेते रहो तब भी आपको ये पथरियों का खतरा नहीं होगा, क्योंकि ये 100% वाटर सोल्यूबल है और आपकी बॉडी के अंदर 100% बायोप्रिन के कारण एब्जॉर्ब भी होता है। ये मैंने आपको बताया सोर्स ऑफ जो ग्रीन ग्राम, इसका सोर्स है हमारे जो आयरन का है, कैल्शियम सिट्रेट मैलेट है और विटामिन D3 के साथ है, जिंक है इसके अंदर जो कैल्शियम को कंज्यूम कराने में हेल्प करता है, विटामिन D3 जो आजकल 90% लोग विटामिन D3 डेफिशिएंट है वो भी इसमें डाला गया, नेचुरल सोर्स, और बायोप्रिन। अब विमेन की गाइनी केयर की बात करते हैं,
डाइनिंग एक ऐसी चीज है लेडीज के साथ ये जुड़ी हुई है, क्योंकि ड्यूरिंग साइकिल तो उनको उतना हाइजेनिक नहीं रह पाती, जिसके कारण उनको ये सारी दिक्कतें आती हैं, यूटी इन्फेक्शन, डिप्रेशन, इनफर्टिलिटी, यूट्रस कैंसर, पीसीओडी या फिर फिब्रॉइड्स, ये सारी चीजें, क्योंकि यहाँ पे तीन चीजें इकट्ठी होती है ना, नमी, ब्लड और हीट, वहां पे एक बैक्टीरिया पैदा हो जाता है दोस्तों, दैट इज ई कोलाई बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया जब बन गया बॉडी के अंदर तो इसको एक ही तरीके से निकाला जाता है, बॉडी को एल्कलाइन करके। तो बॉडी को एल्कलाइन करने के लिए सबसे बढ़िया जो फ्रूट है दैट इज क्रैनबेरी। आप क्रैनबेरी खाओगे आपको जिंदगी में यूटी इन्फेक्शन नहीं होगा, आपको पीसीओडी नहीं होगा, लेकिन क्रैनबेरी अब वही बात आ गई, स्टोर में रख के 6 महीने बाद खाओगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो वी हैव एक्टिव मॉलिक्यूल ऑफ क्रैनबेरी इन क्रैनबेरी कैप्सूल के अंदर। अगर कोई भी लेडी ड्यूरिंग साइकिल 5 दिन इस कैप्सूल को ले लेगी तो उसको जिंदगी में कभी यूटी इन्फेक्शन नहीं होगा, उसको ये सारी चीजें नहीं होने वाली। और अगर उनको कोई सीवियर प्रॉब्लम है तो वो अपनी अपलाइन या किसी डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके इसको 2-3 महीने लगातार लीजिए। इवन हमने यहाँ पे यूट्रस टेस्ट, मतलब इतने जबरदस्त रिजल्ट दिए हैं, आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो, इतनी टेस्टिमोनियल्स हैं गायनी को लेकर, तो वो इसी प्रोडक्ट से ठीक हुए हैं, जबरदस्त वंडरफुल प्रोडक्ट। अब दूसरी जो होती है 40+ वीमेन, जिनको हम बोलते हैं कि लेडी जब मेनोपॉज में चली जाती है, मेनोपॉज मतलब उनको साइकिल नहीं होता, फिर उसके बाद वो माँ नहीं बन सकती, तब जब 40+ वीमेन होती है कोई, तो उसकी बॉडी के अंदर एक चेंजेस आती हैं, जैसे मैंने बोला ना COQ10 25 साल तक बनता है, उसके बाद नेचुरल प्रोसेस है नहीं बनता, ऐसी लेडीज के अंदर एक हार्मोन डिक्लाइन हो जाता है 40+ वीमेन के बाद, जब 40+ की एज होती है, दैट इज एस्ट्रोजन। जब एस्ट्रोजन बॉडी के अंदर बनना बंद हो जाता है तो आप उस लेडी को बाल्टी भर के भी कैल्शियम खिला दोगे तो उसको लगने वाला नहीं कि बॉडी के अंदर कैल्शियम को कंज्यूम कराने में एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो मदद करता है। अगर आप खिलाओगे कैल्शियम उसके बाद तो वो ऐसी फ्लश आउट हो जाएगा, बॉडी के अंदर कंज्यूम नहीं होता। अब दोस्तों जो 40+ वीमेन है उनके साथ ये सारी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, हॉट फ्लैशेस, मूड स्विंग, एकदम चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाता है उनके अंदर, उनकी एनर्जी लेवल लो हो जाती है, वेट गेन शुरू हो जाता है उनका, लॉस ऑफ लिबिडो होता है, नाइट स्वेट्स, मतलब डिफिकल्ट, ये सारी प्रॉब्लम उनके साथ, उनको लगता है कि मतलब घर के अंदर असली, मतलब कई घरों के अंदर मतलब लड़ाइयों का कारण भी यही होता है। लेकिन वो जो आपकी ओल्ड एज लेडी है उसका इसमें कोई कसूर नहीं है, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर ये हार्मोनल चेंजेस हो रही हैं, उसी के कारण ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। अब ये प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है, अब इसके अंदर मैं आपको बात करूं पहले क्रैनबेरी की, इसके अंदर क्रैनबेरी का एक्सट्रैक्ट डाला हुआ है, डी मैनोज डाले हुए हैं और क्रैन प्योर डाला हुआ है। ये आपको यूटी इन्फेक्शन से बचाता भी है, मैंने आपको बताया अगर आप प्रिवेंट रहना चाहते हो, अगर आप बचना चाहते हो तो आप ड्यूरिंग साइकिल 5 दिन इसको जरूर दीजिए जितनी भी लेडीज हैं, और अगर आपको कोई डिजीज है इसको लगातार लीजिए 2-3 महीने कंसल्ट करके। और उसके बाद ऑस्ट्रिया स्ट्रांग है जो सोया एक्सट्रैक्ट है, और रेड क्लोवर एक्सट्रैक्ट है इसका। रेड क्लोवर एक रशियन फ्लावर है जिसका जो एक्सट्रैक्ट है, जो एक्टिव मॉलिक्यूल है, वो आपकी बॉडी के अंदर जो एस्ट्रोजन हार्मोन नहीं बन रहा उसको मिमिक कर देता है। मिमिक मतलब अब आप इसके साथ, अगर रेड क्लोवर एक्सट्रैक्ट के साथ आप कोई भी कैल्शियम किसी को देते हो तो वो बॉडी के से फ्लश आउट नहीं होगा, वो उसके अंदर कंज्यूम हो जाएगा, क्योंकि रेड क्लोवर एक्सट्रैक्ट उसको मिमिक रोल प्ले करता है एस्ट्रोजन हार्मोन जो नहीं बन रहा। इसके अंदर बायोप्रिन और कैल्शियम सिट्रेट मैलेट, नेचुरल कैल्शियम। दोस्तों इसी के साथ अगला है हमारा स्लाइड एलर्जी का। आज आप केसेस देखोगे व्हीट एलर्जी के, देयर आर लॉट्स ऑफ केसेस, व्हीट एलर्जी पता नहीं पहले, आज से 100 साल पहले ये सुनने को नहीं आता था, लेकिन आज लोग कनक ही नहीं खा पा रहे, मतलब ग्लूटेन नहीं खा पा रहे, लोग दूध नहीं पी रहे, दूध से एलर्जी है, जितने भी मतलब आपके वो है प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उनसे एलर्जी, किसी को मतलब दालों से एलर्जी, किसी को ग्लूटेन से एलर्जी, ये नॉर्मल चीजें इसी के कारण हुई, क्योंकि भाई हमारा फूड। तो इसके लिए हमारे पास 2 इतने जबरदस्त प्रोडक्ट हैं, ब्लैक सीड। सबसे पहले ब्लैक सीड की बात करते हैं। ब्लैक सीड मतलब अगर आप में से कुछ, कई सारे दोस्त मेरे मोहम्मदंस भी होंगे जिन्होंने कुरान शरीफ के बारे में पढ़ा होगा और सुना भी होगा, और बाकी सब ने भी, तो इसका जिक्र तो कुरान जो पाक किताब है उसके अंदर भी ब्लैक सीड का जिक्र किया गया कि अगर आप ब्लैक सीड लेते तो मौत के अलावा हर बीमारी को ये ठीक कर सकता है, इतनी ताकत होती है ब्लैक सीड। एलर्जी के ऊपर तो जबरदस्त काम करता है, अस्थमा हो, वीट एलर्जी हो, जबरदस्त स्किन एलर्जी हो, बहुत ही जबरदस्त। तो ब्लैक सीड का एक्टिव मॉलिक्यूल वी हैव,
तो मैंने आपको बताया कि जब इतनी बड़ी बुक के अंदर जिसमें पूरा मतलब सच लिखा हुआ है तो उसके अंदर इसका जिक्र है, तो इसका मतलब इसके अंदर वाकई में ही ताकत होगी। और अगर आप इसकी ताकत देखना चाहते हो तो इसको खा के देखिए, आपको एक महीने में इसकी ताकत का एहसास हो जाएगा। और दूसरा जो प्रोडक्ट है हमारे पास एलर्जी में जो काम करता है, जो अस्थमा के अंदर, जो स्किन एलर्जी के अंदर, जो वीट एलर्जी के अंदर, किसी भी तरह की एलर्जी या फिर आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, दैट इज कोलेस्ट्रॉम। कोलेस्ट्रॉम प्लस एक ऐसा चीज है, जब मैंने आपको पहले भी अपनी स्लाइड के अंदर बताया था कि मदर जो फीड होती है पहले 6 घंटे का मदर का जो फीड होता है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉम होता है। ऐसी जो काऊ होती है ना, गाय का जो पहला दूध जब वो किसी बेबी को बर्थ देने के बाद उसका जो फर्स्ट मिल्क होता है उसके अंदर भी कोलेस्ट्रॉम होता है। तो ये हमारा जो कोलेस्ट्रॉम टेबलेट है च्यूएबल फॉर्म के अंदर है, स्वीटनर च्यूएबल और लैक्टोस्पोर है। तो ये टेबलेट आपको चूसने से आपका एलर्जी का सारी प्रॉब्लम, और बच्चों की जिनकी ग्रोथ नहीं है, जिनको कोई एलर्जी है या जिनको इम्यूनिटी वीक है, वहां पे जबरदस्त काम करता है क्योंकि कोलेस्ट्रॉम इसके अंदर होता है। तो दोस्तों मैंने बताया ब्लैक सीड के अंदर क्यूमिन सीड होता है और बायोप्रिन होता है, कोलेस्ट्रॉम के अंदर ये इसका जो सोर्स है वो काऊ फीड जो फर्स्ट फीड होता है। अब डायबिटीज, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि देयर आर नियर अबाउट 15 करोड़ पीपल हु आर डायबिटिक इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर आज डायबिटीज का बहुत 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 बड़ा नाम हो चुका है। तो अभी डायबिटीज का हमने पहले पढ़ा था कि एमडी डॉक्टर्स जब इलाज करते हैं तो बंदा शुगर से नहीं मरता, शुगर की दवाइयां खाने से मर जाता है, क्योंकि वो दवाइयां इतना असर कर देती हैं 10-15 साल के अंदर, किसी का लीवर खराब हो जाता है, किसी का हार्ट खराब हो जाता है, किसी को रीनल फेलियर हो जाता है, किडनी खराब हो जाती है। तो दोस्तों अगर आप इससे बचना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि आपको हेरिडिटरी है आपके परिवार के अंदर या आपके दादाजी को, आपके फादर को, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ग्लाइकागेर को पहले से लेना शुरू कर दो। इसका क्योंकि साइड इफेक्ट कोई नहीं है, आप एक टेबलेट इसकी एज अ प्रिवेंशन मेडिसिन ही ले सकते हो। और जो अर्ली स्टेज के अंदर है, अर्ली स्टेज मतलब जिनको अभी अभी डायग्नोस हुआ है डायबिटीज है, मैं गारंटी देता हूं हमने इतने पेशेंट ठीक किए हैं कि उनको एलोपैथी लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकाकेयर और टॉक्सीफ्लश उनका 3 से 4 महीने बाद रिपीट होता है, और ग्लाइकाकेयर और COQ10, ये 3 प्रोडक्ट हैं। आप जो अर्ली स्टेज के अंदर डायबिटिक पेशेंट है उनको सिर्फ ये 3 प्रोडक्ट रिकमेंड कीजिए, उनको एलोपैथी पे जाना ही नहीं पड़ेगा। और जिनको क्रॉनिक है, जिनको पुरानी डायबिटीज है, उनको लगातार 6 महीने से 1 साल उनको लगातार ये प्रोडक्ट खिलाना पड़ेगा, तो उसके बाद उनकी एलोपैथी अपने आप टेपर डाउन होती जाएगी और धीरे धीरे उनकी एलोपैथी बंद हो जाएगी। क्योंकि हमारा मकसद पता क्या है, अब इसके ऊपर 1 मिनट बात करेंगे, ये लास्ट स्लाइड है। क्योंकि डायबिटीज क्या होता है, बेसिकली डायबिटीज जब बंदे को होता है तो ब्लड शुगर बोलते हैं इसको, तो जब भी हम कोई खाना खाते हैं उसके अंदर से ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज हमारे सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है, हमारे भोजन होता है हमारे सेल्स का, जहां से हमारी बॉडी बनी हुई है। तो जब खाना खाया तो ग्लूकोज बना, वो हमारे ब्लड में चला जाता है। अब एक हमारा ऑर्गेन होता है दैट इज पैनक्रिया। पैनक्रिया एक इंसुलिन रिलीज करता है, और इंसुलिन का काम क्या होता है कि बॉडी के अंदर सेल्स, जो हमारे सेल्स होते हैं उनके मुंह को ओपन करना ताकि उनके अंदर ग्लूकोज एंटर हो सके, और जब हम ऑक्सीजन लेंगे वो बर्न होके बॉडी के अंदर एनर्जी दे, बॉडी के अंदर एनर्जी पैदा करे। तभी जब हम कोई बीमार होता है, आपने देखा उसको ड्रिप लगाया जाता है इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए, उसकी वेन के अंदर एक ग्लूकोज लगा देते हैं, तो वो क्या होता है उसको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, क्योंकि हमारी सेल्स की खुराक है ग्लूकोज। अब जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके साथ क्या होता है कि वो भोजन तो वो कर रहे हैं और ग्लूकोज भी बन रहा है, उनके ब्लड में जा रहा है। अब ब्लड में चला गया तो उनकी जो पैनक्रिया है वो प्रॉपर काम नहीं कर रही, वो इंसुलिन नहीं बना रही या कम बना रही है, या फिर वो इंसुलिन प्रॉपर काम नहीं कर पा रही, तो वो ब्लड के अंदर ही ग्लूकोज घूमता रहता है। इंसुलिन ने अपना काम नहीं किया, वो सेल का मुंह ही नहीं ओपन हुआ, तो वो ब्लड के अंदर ही ग्लूकोज घूमता रहता है, जिसको हम बोलते हैं इसको ब्लड शुगर हो गया। ब्लड शुगर हुआ तो वो ब्लड के अंदर उसका जब वैल्यू बढ़ गया, तो अब हम एलोपैथी के अंदर क्या करते हैं, एलोपैथी के अंदर जितनी भी आपको मेडिसिन दी जाती है तो वो क्या करता है, जब हम खाने से पहले या बाद में लेते हैं उसको मेटफॉर्मिन, जो भी हम टेबलेट डॉक्टर गाइड करते हैं, हमने ग्लूकोज बना, हमने वो टेबलेट खाया, उसने एक ऐसा केमिकल बनाया कि उसने ब्लड में से ग्लूकोज को निकाल के बॉडी से बाहर कर दिया थ्रू यूरिन, तो वहां पे हमारा ब्लड शुगर लेवल डाउन हो जाता है। अब जब जब ये काम 10 से 15 से 20 साल चलता रहता है ना, तो होता क्या है कि हमारे जो हमारे सेल्स की खुराक थी ग्लूकोज था ना, तो वो तो मिला ही नहीं उसको,
वो तो हम पहले खून से बाहर निकाल देते थे कि लेवल को कम करने के लिए, तो धीरे धीरे हमारे ऑर्गन्स पे इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। वो क्या होता है कि उनको जो खुराक नहीं मिल रही, उस खुराक को ना मिलने के कारण हमारा कभी आइस पे इफेक्ट आ जाता है, कभी हमारे हार्ट पे आ जाता है, कभी लीवर पे आ जाता है, कभी किडनी, तो उसके कारण ये सारी दिक्कतें बढ़ती है। तो ग्लाइकाकेयर इज अ वंडरफुल प्रोडक्ट, आप इसको जरूर यूज कीजिए। अगर आप प्री डायबिटिक हैं, या फिर आपको हेरिडिटरी है, या फिर आप क्रॉनिक डायबिटिक भी हैं, तब भी इस प्रोडक्ट को जरूर लेना चाहिए आपको। दोस्तों इसके अंदर भी मेम्रोडिसिन है, मेम्रोडिसिन सिल्बिनॉल है, इसके अंदर सिनेमोन एक्सट्रैक्ट है, तो बायोप्रिन है, वंडरफुल प्रोडक्ट, तो आपको डायबिटीज में हेल्प करता है। दोस्तों यहाँ तक की मेरी प्रेजेंटेशन थी। मैंने कोशिश की कि मैं आपको इन प्रोडक्ट्स की वैल्यू, इन प्रोडक्ट्स की वर्थ, इन प्रोडक्ट के पीछे रिसर्च क्या है वो बता सकूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आनंद सर, फिर से आपका, मान सर और उपाध्याय जी और डॉक्टर मजीद का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें ऐसा प्लेटफॉर्म दिया। और इस प्लेटफॉर्म को मिलने से सिर्फ हमें ये नहीं है कि हम देखो, इससे दो चीजें मिली हमें। सबसे पहले हमारा परिवार आज हेल्दी है, और हम ये लाखों लोगों तक इस हेल्थ को पहुंचा पाए। अदरवाइज आजकल पैसे की दौड़ के अंदर किसी को इतना वक्त नहीं है कि कोई किसी के बारे में सोच सके। तो हमारे पास यही एक पुण्य का काम भी है, जिसको बोलते हैं पंजाबी में पुण्य नाले फलियां, कि हम पैसा भी कमा रहे हैं, और मैं कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा आज तक मैं इस प्लेटफॉर्म से कमा चुका हूं। तो आप भी इन प्रोडक्ट्स की बिल्कुल नॉलेज, जिसको आज मैंने कोशिश की देने की, इसकी डीप नॉलेज लीजिए और इसके बिजनेस को जरूर कीजिए, क्योंकि ये आपको हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज बनाएगा, जो हमारा यहाँ लिखा हुआ है। आपको हेल्थ भी देगा, आपको वेल्थ भी देगा, और वाइज बुद्धिमान वही है जिसके पास दोनों चीजें एक ही समय में। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने आज सारे सामियन, हिंदुस्तान के सामियन को एक प्रैक्टिकल रूप में बताया कि कहां हम कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट का, हम कैसे इससे उपयोग ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सारे लोगों के तरफ से, सारे सामियन की तरफ से मैं आपका धन्यवाद देता हूं। और अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि वक्त बेवक्त अगर हम आपको याद करें, क्योंकि मेरे पास अभी देखिए मेरे फोन में कम से कम 300 से 350, थैंक यू डॉक्टर सुशील भारती, थैंक यू डॉक्टर सुशील भारती, 300 तो मेरे पास मैसेज आ चुके हैं। इसका मतलब है कि लोग आज भरपूर आपके बात का फायदा उठाए हैं। और सर इसके पीछे भी आपका ही हाथ है, क्योंकि अगर आपने एक एक बारीकी हमें सिखाई हुई है, तभी आज हम, मतलब देखिए 7 साल का टाइम और आपका आशीर्वाद और आपकी जो नॉलेज है वही हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। थैंक यू सो मच। मैं आपका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमें सिखाया, तभी हम लोगों तक ये चीज बांट पाए। और इसके पीछे जिनका हाथ है, आज चूंकि मैं लीडर्स को नहीं ला रहा हूं, वो है हमारे सीसीएम अकरम जावेद सर, जिन्होंने मुझे इतना प्रेशर मेरे ऊपर किया कि मैं आपके पास पहुंच पाया। मैं सबका धन्यवाद कर रहा हूं। लेकिन अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे, और हफ्ते में 2 दिन हम मिला करेंगे। सारे जितने सामियंस हैं, 1 दिन नए लोगों का होगा, और 1 दिन हम सारे लीडर्स को उनकी ट्रेनिंग सुना करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट के नॉलेज के साथ साथ हम कैसे इनवाइट करें, हम कैसे स्पॉन्सर करें, हम कैसे ट्रेन लोगों को करें, कैसे लोगों को और चीजें, बेसिक ट्रेनिंग दें, ये सारी चीजों की के ऊपर में हम लीडर्स को सुना करेंगे। और अगले हफ्ते से ये क्रम चलेगा। आप लोग सारे सामियन का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं फिर से। इस महीने एक ही चीज है, जितने सामियंस हैं, मैं आपको जहां तक हो सकता है सपोर्ट देने की कोशिश करूंगा, आपको उत्साहित रखने की कोशिश करूंगा, आपको प्रेरित करने की कोशिश करूंगा। और इस महीने, पिछले महीने जुलाई में जो बिजनेस हुआ है, अगस्त में इससे दुगना बिजनेस होगा और आपकी इनकम दुगनी होगी, ऐसा हम करने जा रहे हैं सारे लीडर्स। इसलिए सबसे पहले मैं एक लीडर्स की मीटिंग करूंगा, जिसमें 20-25 मेन लीडर्स हैं, उनके साथ हम बात करेंगे, और उसके बाद वो लीडर्स आप तक पहुंचेंगे। शायद
15 दिन के अंदर हम ये काम कर पाए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट।